Yes. Okay. Listen. Okay, sir. गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। अच्छा तो सर इनकम टैक्स क्लास है और आज हम लोग इनकम टैक्स में क्या पढ़ेंगे बोले तो बेसिक बिल्कुल पढ़ेंगे। लास्ट कुछ क्लासेस में हम लोग को टोटल इनकम के ऊपर काफी डिस्कशन किया। टोटल इनकम पे आपको ये आइडिया लगा कि अगर इनकम टैक्स को जानना है, अगर इनकम टैक्स को समझना है एज ए कंसल्टेंट, जब आप किसी अपने क्लाइंट को सर्विस दोगे तो आपको कितना नॉलेज चाहिए। देखो सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, सीएमए बनोगे, सीएस बनोगे, आगे जाके कंसल्टिंग तो करना ही है। या तो खुद का फार्म ओपन करके करोगे या फिर कंपनी में जहां काम करोगे कंपनी को करना है। कंपनी आपको क्यों रखेगा पता है आपको? कंपनी आपको क्यों रखेगा? क्योंकि आप कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैटर में उनको गाइड कर। आप क्लरिकल काम थोड़ी करोगे, आपका काम क्लरिकल नहीं होगा। सीए सीएमए क्लरिकल काम नहीं करते हैं, मेनली कंपनी में भी वो एडवाइजर का ही काम करते हैं। हाँ, अगर किसी का नॉलेज कम रहेगा वो अलग बात है, जो अपने आप को घसता नहीं है, जो अपने आप को किसी अपने फील्ड में ही, मानो आप सारे सारे कुछ पास करके गए पर आपको कोई कुछ पूछता है, आपको कंपनी को सजेशन मांगता है, आप चुप बैठते हो, तब आपको शायद क्लरिकल काम पे ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जितना नॉलेज आप ले रहे हो, अगर इसी नॉलेज का आप एकदम हमेशा इसको चर्चा करते हो, हमेशा इस चीज के साथ रहते हो, कंपनी का मुश्किल आसान करते हो, सिंपल बात है, मुश्किल को आसान करते हो। जैसे जैसे आज का ये न्यूज है, अभी मैं स्टॉक मार्केट का क्लास चल रहा था ना, मेरा स्टार्टिंग में रहता है हमेशा रोज का ही एक काम, तो स्टॉक मार्केट में अभी एक कंपनी था जाइडस बोल के, जाइडस लाइफ साइंस बोल के कंपनी है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। तो उसका रिसेंटली एक नोटिस आया, नोटिस ये आया कि जाइडस का 295 करोड़ का इनकम टैक्स में डिमांड आया है, डिमांड नोटिस मिला है। तो जब भी किसी कंपनी के अगेंस्ट में 200-300 करोड़ का नोटिस आ जाता है, 200-300 करोड़ का इनकम टैक्स का डिमांड नोटिस आ जाता है, तो ये इन्वेस्टर के लिए थोड़ा चिंता बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या कंपनी टैक्स नहीं पे कर रहा है क्या, ऐसा हो जाता है ना। लेकिन फिर कंपनी का चेयरमैन ने बोला कि नहीं, ऐसा कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि हम लोग तो एडवांस टैक्स पे करते हैं। तो फिर अभी ये कुछ दिन बाद ये रेक्टिफाई हो जाएगा और ये नलीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का कंपनी ने अपने तरफ से बोला। तो बोलने के बाद, क्योंकि फिर भी मार्केट है, स्टॉक मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ा उसका कि शेयर थोड़ा सा साइडवेज जा रहा है, माने ना तो अप गया ना तो नीचे गया। बेसिकली प्रॉब्लम इनकम टैक्स को लेके था। नाउ क्वेश्चन इज दैट, अभी ऐसे सिचुएशंस में मानो आप जाइडस लाइफ साइंस में, मानो आप कंपनी का कौन हो, मानो कि जाइडस लाइफ साइंस में आप कंपनी का कंसल्टेंट हो, माने कंपनी में आप एज ए सीए या एज ए सीएमए फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम कर रहे हो, तो कंपनी अब किसके ऊपर टिका रहेगा? आपके ऊपर ही ना टिका रहेगा सर, कि आप ऐसे सिचुएशंस में कंपनी को क्या सजेशन देते हो। बात समझ रहे हैं सर? तो आप सब यही चीज समझना होता है। ये देखो न्यूज़ देखो, जाइडस लाइफ सब्सिडियरी गेट्स इनकम टैक्स डिमांड ऑफ ₹280 करोड़, ठीक है। अभी मैं कुछ देर पहले इसी के बारे में बात हो रहा था, ठीक है। सब कनेक्टेड होते हैं ना, मार्केट के क्लास का क्या है ना, कोई सिलेबस नहीं। जब हम लोग मार्केट के क्लास करते हैं उसमें कोई सिलेबस नहीं, उन्हें हमें सब कुछ बताना पड़ता है। अब डिटेल्स में तो नहीं जा पाते, किसी किसी का मुंह देखने लायक होता है, क्योंकि सब सी सी एम ए बैकग्राउंड को तो ज्यादातर होता नहीं है, एक आध को छोड़ के। तो फिर उनका मुंह देखने लायक इसलिए होता है कि उनका मानना है कि इनकम टैक्स डिमांड नोटिस के साथ शेयर प्राइस का क्या कनेक्शन, ठीक है। अब ये बात आप तो समझ रहे हो, ठीक है, लेकिन एक नॉन बैकग्राउंड वाले इंसान जिनको उतना नॉलेज नहीं है, ना तो इनकम टैक्स के बारे में इतना समझते हैं, वो कैसे समझेगा, है ना। तो यही चीज तो प्रॉब्लम कर देता है, यही चीज प्रॉब्लम कर देता है। ये देखो, जाइडस लाइफ सब्सिडी गिव्स इनकम टैक्स डिमांड ऑफ ₹280 करोड़, ठीक है। ये फाइनेंशियल इंपैक्ट आया है। अब यही चीज आपको इनकम टैक्स में, आपका जितना नॉलेज ग्रो करेगा, अब ये चीज धीरे धीरे बिल्ड कर लोगे कि जेड एक्जेल जैसे क्या क्या कहता है, जेड एक्जेल डज नॉट एक्सपेक्ट दिस सेड इंटीमेशन टू हैव एनी मटेरियल फाइनेंशियल इंपैक्ट एज द अबव मेंशन एडजस्टमेंट आर नॉट सस्टेनेबल इन लॉ एंड आर होली डिफेंडेबल ऑफ द फैक्ट दैट केस द कंपनी एंटर्ड। तो कंपनी अपने आप को डिफेंड किया, ठीक है। इनकम टैक्स बोला कि ऐसा है, कंपनी डिफेंड किया, कंपनी का मानना ही नहीं, ऐसा कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। और ये देखो द टैक्स इंटीमेशन, माने इनकम टैक्स ऑथोरिटी की तरफ से, ठीक है, न्यूज पढ़ के समझना है ना,
इनकम टैक्स ने इंटीमेट किया कि आप ये सब मिस्टेक किया है। इनकम टैक्स का मानना है कि ये लोग मिस्टेक किया है, ठीक है, लेकिन अब ये देखना है कि क्या सच में मिस्टेक है। ठीक है, नॉट अलाउड क्लेम डिडक्शन अंडर ATIE/ATJJEE ऑफ द IT एक्ट विदाउट एनी बेसिस, गिवन शॉर्ट क्रेडिट ऑफ टैक्स डिडक्टेड पेड, ये सब करने का इनका राइट नहीं है, ये इनकम टैक्स कहता है। अब ये पूरा केस बहस में आ जाए। अब कंपनी का जो कंसल्टेंट है, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CMA है, CS है, उनके साथ अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पूरा अभी चलेगा कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी को क्या अलाउड है, क्या नॉट अलाउड है, ठीक है, कंपनी का इनकम टैक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये सब चीजों के ऊपर बेस करके, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स के ऊपर बेस करके अभी ये पूरा डिस्कशन चलेगा। तो ये सब सिचुएशंस पे कंपनी का जो ओनर है उनको थोड़ी ना पता है कि जरूरी नहीं कि वो सेम बैकग्राउंड से हो, जरूरी नहीं कि वो CA हो, जरूरी नहीं कि वो CMA हो, है ना। ज्यादातर केस में होता भी नहीं है, बहुत रेयर केस में होता है। सो अगर आप ऐसे सिचुएशंस में कंपनी को हेल्प नहीं करोगे तो कब करोगे, समझ रहे हैं सर? हाँ, ऐसे सिचुएशंस में अगर आप कंपनी को हेल्प नहीं करोगे तो फिर कब करोगे आप हेल्प? तो ये सब प्रॉब्लम सामने खड़ा हो जाता है। अब ऐसे हालत में आप कंपनी को कैसे हेल्प करते हो, इसके लिए आपका नॉलेज के ऊपर पूरा खेल डिपेंड करता है, समझ रहे हैं ना सर? ठीक है, चलो। तो अभी हम लोग ना कोई एडवांस लेवल बात नहीं करेंगे आज। लास्ट कुछ क्लासेस में पूरा एडवांस लेवल में डिस्कशन किया, आपको क्वेश्चन करवाया सैलरी रिलेटेड, PGBP रिलेटेड, है ना, माने एक बिजनेसमैन या प्रोफेशनल उसका टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक सैलरीड पर्सन कैसे करते हैं, घर को रेंट दे के कैसे इनकम हो सकता है। हाँ सर, लेकिन आज का डिस्कशन क्या रहने वाला है, आज मैं कोई स्पेसिफिक रिलेटेड बात नहीं करूँ, आज मैं एकदम बेसिक से बात करूंगा, बेसिक इन द सेंस, चलो मैं आपको बताता हूँ बेसिक इन द सेंस व्हाट। ये सबको स्क्रीन दिख रहा है ना, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके सर, बेसिक इन द सेंस आज का डिस्कशन का मेन पॉइंट पॉइंट ये है सर, जरा देखें। ये जो मैं आपको कुछ दिनों से इनकम टैक्स का टोटल लाइबिलिटी कैलकुलेट करने का पूरा चार्ट समझा रहा था ना अभी, एक मिनट, इधर चार्ट है, ये रहा, ठीक है। मैं आप लोगों को पूरा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का चार्ट समझा रहा था कि एक इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या रास्ता से गुजरना पड़ता है। तो उसमें मैंने आपको सबसे पहले यही समझाया कि सबसे पहले आपको रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना है, फिर फाइव हेड्स हैं, फाइव हेड्स को अंडरस्टैंड करना है, क्लासिफाई करना है, ठीक है, सैलरी इनकम को जानना है, हाउस प्रॉपर्टी को जानना है, PGBP को जानना है, कैपिटल गेन को जानना है, अदर सोर्सेस को जानना है, ठीक है। उसके बाद ईच एंड एवरी हेड को अंडरस्टैंड करना है, इवन अंदर से, ईच एंड एवरी हेड का अपना ही कैलकुलेशन टेक्निक है, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे ये सब में पहुंचेंगे सर, सैलरी को अलग से जानेंगे, हाउस प्रॉपर्टी को अलग से जानेंगे, PGBP को अलग से जानेंगे, कैपिटल गेन को अलग से जानेंगे, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को भी अलग से जानेंगे। फिर जाके आता है क्लबिंग प्रोविजंस, फिर जाके आता है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, फिर जाके होता है क्रॉस टोटल इनकम, फिर होता है डिडक्शंस, एंड फिर होता है टोटल इनकम, फिर इसके ऊपर देना पड़ता है टैक्स लायबिलिटी। लेकिन आज का डिस्कशन का पॉइंट सर फाइनल स्टेज में नहीं है, हम लोग एकदम बेसिक में बात करेंगे कि इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स कहाँ से आया, टैक्स का क्या कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनरेट करके रखा है, ये सभी बातें मैं आपसे करूंगा, ठीक है, एकदम बेसिक लेवल, बार बार बता रहा हूँ कि पूरा बेसिक से बात करना, शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, खाता रेडी करो, कॉपी रेडी करो, लिखना पड़ेगा सर, थकना माना है, थकना माना है सर, सब निकाल लेंगे कॉपी। स्क्रीन दिख रहा है? ओके सर, जिसका बेसिक हो चुका है उसका रिवाइज होगा, अगर किसी ने पहले बेसिक कभी किया है बैकअप से भी,
अगर किसी का एकदम कुछ नहीं हुआ है वो एकदम शुरू से सब कुछ सीखे। और एक चीज बात सर, क्योंकि इनकम टैक्स में अमेंडमेंट भी होता रहता है, माना पहले आपने बेसिक कर चुके हो बैकअप से या फिर लाइव क्लास से, लेकिन वो उस बार का जो नियम कानून था उसमें काफी सारा बदलाव आ जाएगा। जैसे अभी जो एग्जाम आने वाला है दैट इज जून 2024 का, ठीक है, मई जून, ठीक है, सीए के केस में मई में होता है, सीएमए के केस में और सीएस के केस में जून में होता है। तो मई जून का सेशन आने वाला है और दिसंबर, नवंबर दिसंबर का सेशन आने वाला है। तो मई जून 2024 या नवंबर दिसंबर 2024 में काफी सारा नियम में बदलाव आने का, काफी सारा माने ऐसा भी नहीं कि बहुत कुछ चेंजेस हैं, पर टैक्स रेट वगैरह में थोड़ा चेंजेस में। लास्ट दिन कुछ क्वेश्चन आपको न्यू रेट में करा रहा था जो न्यू सेशन में लागू होने वाला है, तो आप लोगों को बेसिक पढ़ते पढ़ते ये सारा रेट का भी याद आ जाएगा। अगर बाई चांस किसी के पास पुराना रेट का आइडिया है तो उसमें कितना चेंजेस है, 115 बीएससी का इंपॉर्टेंस और ज्यादा हो गया। जैसे पहले क्या था, 115 बीएससी ऑप्शनल था, लास्ट लास्ट एग्जाम तक 115 बीएससी ऑप्शनल होता था, बट अभी आगे वाला एग्जाम 115 बीएससी ऑप्शनल नहीं है सर, वो तो अभी डिफॉल्ट हो गए, ठीक है। तो ये सब सारा चेंजेस मैं आपको बेसिक क्लास में बताता रहा, ठीक है। तो चलो अभी कुछ एकदम सिंपल सिंपल बात करूंगा, फिर धीरे धीरे फिर क्वेश्चन आंसर में जाऊँ। इनकम टैक्स में कभी कभी ऐसे बोरिंग बातें होंगे, कभी कभी कैलकुलेशन भी होंगे। हेडिंग कर देते हैं इनकम टैक्स, बेसिक्स ऑफ इनकम, एकेडमी लिख देते हैं सर, बेसिक्स, ठीक है, बेसिक्स। अच्छा बेसिक्स में ये जो न्यू सेशन आने वाला है इसका नाम है सर, प्रीवियस ईयर हो जाएगा आपका 23-24 और असेसमेंट ईयर हो जाएगा आपका 24-25, ठीक है। प्रीवियस ईयर हो जाएगा असेसमेंट ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर हो जाएगा 24-25, ठीक है। नाउ इस मुद्दे पे ठीक है, चलो मुझे को ये पेन यूज करना चाहिए था, मैंने क्या यूज कर, चल लिख लूँ। सबसे पहले ना बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग कुछ चार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चार्ट इन द सेंस कॉलम बना लो सर, एक दो तीन, और थोड़ा सा इधर आ जाओ, चार, ठीक है। चार कॉलम में इसको हम लोग सेट कर देंगे। कॉलम कुछ ऐसा होने वाला है, जैसे इधर लिख लो कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ, क्या लिखेंगे सर, कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ, फर्स्ट कॉलम में या फर्स्ट एरो में दे दो कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स। समझ में नहीं आ रहा क्या, चार नहीं अलग, ओहो सो वेरी सिंपल सर, मैंने बेसिकली हमें टैक्स के अलग अलग कंपोनेंट, चार नहीं, हाँ चार लाइन बना लो, चार लाइन बना लो, एरो देके बनाओ तो आपको सुविधा, चार मैंने इट्स लुक्स लाइक अ फ्लो चार्ट, ठीक है, लुक्स लाइक अ फ्लो चार्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा बनाओ ना, कुछ ऐसा बनाओ ना, एक दो तीन चार, ठीक है, ऐसे तो बना ही सकते हो, बस इतना सा करो, बेसिक कॉन्सेप्ट देके चार एरो निकाल, इतना सा काम है। हाँ कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, ठीक है सर। इनकम टैक्स का कंपोनेंट्स का मतलब ये हो जाता है कि भाई इनकम टैक्स कहाँ कहाँ से आया है, या फिर इनकम टैक्स को कहाँ कहाँ लिखा गया है, ठीक है, बात समझे, इनकम टैक्स को कहाँ कहाँ लिखा गया है। जैसे इनकम टैक्स का सोर्स क्या है, ऐसा भी समझ सकते हो, इनकम टैक्स का सोर्स क्या है कि इनकम टैक्स
एक्ट 1961 सर यही है, जब देश आजाद हुआ था, माने देश को जब इंडिपेंडेंट मिला था, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमारे देश में जो इनकम टैक्स चालू हुआ उसके लिए एक एक्ट बनाना पड़ा, दैट इज 1961 इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के तहत इनकम टैक्स देश में लागू हुआ, क्योंकि ऐसे ही गवर्नमेंट चाहने से ही ना टैक्स नहीं लगा सकते, गवर्नमेंट को टैक्स लगाने के लिए एक कानून चाहिए। ठीक है, बिना कानून का आप कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया जिसमें इनकम टैक्स एक्ट को जगह दिया गया और उस एक्ट के तहत इनकम टैक्स गवर्नमेंट लेना चालू किया। अच्छा, नॉट जस्ट दैट, इसके साथ साथ और भी आए हैं सर, जैसे मानो यहाँ पर हर साल गवर्नमेंट इनकम टैक्स में ना कुछ नियम लाते हैं, बार बार एक्ट को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए एवरी ईयर एक एनुअल फाइनेंस एक्ट भी आता है, उसके तहत भी इनकम टैक्स में चेंजेस देखने को मिलता है। इसके अलावा सर एक इनकम टैक्स रूल है, बेसिकली जैसे नॉर्मली 62 में रूल आया था, पर यहाँ पर आप इतना समझो कि इनकम टैक्स का जो रूल होता है उसके तहत भी गवर्नमेंट हमें इनकम टैक्स का चार्जेस कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ और लिख लो, गवर्नमेंट ना बीच बीच में सर्कुलर लाते हैं, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। इनकम टैक्स क्या है सर? इनकम टैक्स एक लॉ है, ठीक है, इनकम टैक्स एक लॉ जिसके तहत गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेता है। इन सिंपल इनकम टैक्स को जानने का ये सबसे बेस्ट उपाय है कि इनकम टैक्स इज ए टाइप ऑफ लॉ, ठीक है, जिसके तहत गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को एक गवर्नमेंट बजट का डेटा दिखाया ना सर पहले भी एक बार, गवर्नमेंट बजट क्या होता है ना, गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करता है सर थ्रू टैक्स, ऐसे कुछ इस तरह का देखने में होता है बजट। मिनिस्ट्री ऑफ, इसमें चले जाओ, यहाँ पर जाके ना बजट एट ए ग्लांस देख सकते हो, बजट एट ए ग्लांस देख सकते हो, देख पा रहे सर? इसको मैं जूम करूंगा सर, आपको पूरा दिखेगा। ये लेटेस्ट बजट था 2023-24 का, फेब्रुअरी 2023 में आया था। अब जैसे फिर से 24-25 आएगा, फिर से बजट आएगा, ये फिनांस बजट भी कहते हैं इसको। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट के थ्रू से दुनिया को बताता है, माने भारत को बताता है कि भाई हमें कहाँ से कितना पैसा चाहिए था। रूपी कम्स फ्रॉम, देख रहे हैं सर, देश को पैसा मिलता कहाँ से, बजट 23-24 में बजट पैसा कहाँ से आता है उसका पूरा डेटा निकाला, जिसके तहत अगर आप चेक करोगे, ये देखो सर, ये जी इनकम टैक्स कहाँ है, ये देखो इनकम टैक्स, ये रेड वाला हिस्सा इनकम टैक्स है, गवर्नमेंट जितना आय करते हैं, इनकम करते हैं, उसका 15% इनकम टैक्स से आता है, जीएसटी से 17% आता है सर, कॉरपोरेट टैक्स से 15% आता है, मतलब ये कॉरपोरेट टैक्स भी टाइप ऑफ इनकम टैक्स ही हो गया, ठीक है, जो कंपनी देता है। जीएसटी 17%, बॉरोइंग एंड लाइबिलिटी, मैंने बेसिकली देश लोन लेता है, ठीक है, ये बेकार इसीलिए है। नहीं सर, ये कंट्री लोन लेता है, अच्छा, इंडिया इंडिया देश को चलाने के लिए बाहर के दूसरे देशों से लोन लेता है, या फिर ऐसे बोलो वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लेता है, ये देश का कर्जा है सर। ये देश का कर्जा तभी कम हो सकता है, ये देखो बिल्कुल खत्म तो नहीं हो सकता, और कर्जा थोड़ा बहुत रहने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अभी जो इंडिया का हालत देखो, 70% इंडिया का खुद का इनकम है, 35% इंडिया का बाहर का इनकम, मतलब जो इंडिया का खुद का नहीं है दूसरे का है, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट को फाइनेंस करने का, गवर्नमेंट चलने के लिए जो फाइनेंस का जरूरत होता है वो पैसा का सोर्स है। बट इसका मतलब सिंपल इतना समझो कि अगर गवर्नमेंट टोटल 100 रुपीज इनकम करता है, उसमें से 34 से 35 रुपीज गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है, बाकी 75 रुपीज गवर्नमेंट खुद कमाते हैं, जिसमें से 15% कॉर्पोरेट टैक्स, 15% इनकम टैक्स, 4% कस्टम्स, कस्टम मैंने आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लगता है कस्टम ड्यूटी, ठीक है, 7% एक्साइज, एक्साइज मैंने मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है, ये भी आजकल जीएसटी के साथ इंक्लूड होके हो जाता है, बट इसको अलग से डिनोट किया जाता है, 17% जीएसटी, ठीक है, और बाकी सर नॉन टैक्स, मैंने जैसे मानो सरकार का कोई दूसरा रेवेन्यू का सोर्स है, गवर्नमेंट कहीं पर इन्वेस्ट करके कमा रहा है, ठीक है, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, ये सब मिला जुला के 6%, 2%, 8% करीब करीब यहाँ पर कमाते हैं, बाकी 34-35% तो बाहर की कंट्री से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से लोन लेना पड़ता है।
ये बहुत बेकार चीज है, इसलिए बेकार है, ज्यादा रहना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, गवर्नमेंट जो भी अर्न करता है, मानो गवर्नमेंट का ये तो सोर्स हो गया, अब गवर्नमेंट का तो एक्सपेंस होगा ना, तो गवर्नमेंट जो भी अर्न करेगा उसमें से 35% अगर इसका पार्ट है, तो अब इस नीचे थोड़ा सा आ जाऊंगा तो आपको दिखेगा कि गवर्नमेंट का रुपी कहां से आता है और फिर रुपी गोज टू कहां। ये देखे सर, ये रुपी गोज टू है, रुपी कम्स फ्रॉम तो आपने देखा ठीक है, ये रुपी गोज टू है, माने सरकार का टोटल अर्निंग का कहां कितना खर्चा होता है, दिख रहा है सबको, जी ये देखो 20% इंटरेस्ट पेमेंट पे चला जाता है, वो जो 35% आपने देखा ना, 35% का सोर्स बाहर के कंट्री से लेना पड़ता है, वर्ल्ड बैंक वगैरह से लेना पड़ता है, उसका 20%, अगर यहाँ पर बात ऐसा है कि अगर गवर्नमेंट 100 रुपीज इनकम कर रहा है तो उसमें से 20% चला जाता है आपका सूद देने, ये खर्च जाएगा कंट्री का, अब सूद में 20% मैंने 100 रुपीज में से 20 रुपीज चला गया, बाकी पड़ा रहा 80, उस 80 में बाकी उसमें 17% तो डिफेंस में जाते हैं, चाइना से और पाकिस्तान से देश को बचाना, ठीक है, नहीं तो इन लोगों का क्या है ना, हर जगह को हड़पेगा और बोलेगा ये मेरा है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना अपना देश बनाना चाहता है, ठीक है, तो फिर भारत बोल के कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है, इधर बांग्लादेश का कुछ हिस्सा बोलेगा हम अलग हो जाएंगे, मैंने बांग्लादेश के साइड साइड में कुछ जगह है, फिर पंजाब के साइड में थोड़ा प्रॉब्लम है, उधर वो बोलेगा हम निकल जाएंगे, फिर साउथ इंडिया वाले बोलेंगे हम भी निकल जाते हैं, फिर भारत बोल के कुछ रहना ही नहीं चाहिए, सब अलग अलग बने, तो ये एक देश का सोवरेनिटी को शोभा नहीं देता, ठीक है, इस तरह से देश नहीं चल सकता। पहले भारत का जब भी इतिहास देखोगे ना, देश बार बार टूटा किस लिए जानते हो, ये देश के अंदर अगर कुछ लोग, एक्चुअली क्या है ना, सबको जैसे कश्मीर में लोग बोलते हैं हमको अलग चाहिए, अगर तुम इतिहास खोल के देख लो ये हमेशा भारतवर्ष के अंदर रहा है, इवन अफगानिस्तान भी भारत है, आज का जो अफगानिस्तान है ना वो हमेशा भारत ही रहा है, उसका एक्चुअली उसका कैपिटल का नाम है कंधार, कंधार माने भारत के इतिहास में देखोगे गांधार बोल के एक जगह है, गांधार माने गांधारी, ठीक है, महाभारत में पूरा 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 मेंशन है, ठीक है, तो अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक का पूरा बॉर्डर भारत का हमेशा से रहा। अब देश जितना ऐसे टुकड़े टुकड़ों गैंग में बांट जाएगा क्या हो जाएगा देश का, पूरा हाँ पूरा पंजाब के अंडर भी वो पूरा कंट्रोल हो जाएगा पूरा, रणजीत सिंह के टाइम पे, महाराणा महाराणा रणजीत सिंह के टाइम पे तो पूरा अफगानिस्तान से लेके कश्मीर से लेके इवन ईरान का कुछ हिस्सा पूरा वो भारत का हिस्सा था और पंजाब स्टेट के हिसाब से था, ठीक है, तो ये हमेशा से, महाराणा रणजीत सिंह का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, ब्रिटिश आने से पहले का इतिहास, 1780 के आसपास, तो ये हमेशा से भारत का, लेकिन ये बीच बीच में ये डिवाइडर्स डिवाइड चलता गया, स्पेशली ब्रिटिश आने के बाद तो और डिवाइड होता गया, तो अभी भी प्रॉब्लम हुई है, अभी भी कुछ जगह में हमेशा से ना कुछ बोलेगा नहीं, जैसे कश्मीर वाले वो क्या चाहते हैं ना, वो वहां पर अपना राज, जैसे बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान अलग हुआ, ठीक है, अटल बिहारी सबसे बेस्ट जवाब दिया था, ये पाकिस्तान वाले हमेशा चिल्लाते ना हमें कश्मीर दे दो कश्मीर दे दो, तो अटल जी एकदम डायरेक्टली बोल दिया ज्यादा कश्मीर कश्मीर मत चिल्लाओ हमें पाकिस्तान चाहिए, और मजाक नहीं है, एक मूवी आ रहा है उसमें सच्चा घट दिखा है, वो पंकज त्रिपाठी का मूवी आ रहा है देखना आप लोग जरूर देखना, इस अटल बिहारी का मूवी देखने से कोई बीजेपी सपोर्टर नहीं बन जाएगा, ठीक है, वो उसका अपना अपना शौक है, लेकिन आप अटल बिहारी को जरूर सुनिए सर, देखिए उनको, उनका जीवनी के ऊपर है, जब इधर कश्मीर को पूरा अटैक करके रखा था ना, मैंने पाकिस्तान आतंकवादी को पूरा फैला गया, अटल बिहारी क्या किया था जानते हो, पहले तो नॉर्मल बातों में बात किया, सुन सुन नहीं रहा है, अमृतसर बॉर्डर में जाके वाघा के सामने जाके पूरा टैंकर खड़ा कर दिया था पूरा, और वाघा से लाहौर का डिस्टेंस है 40-45 किलोमीटर, देख लो लाहौर रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पाकिस्तान में घुसने का भी जरूरत नहीं है, हम लोग इंडिया में बैठ के तुमको उड़ा सकते हैं, तुम देखो क्या करो, तो जितना भी इलीगल बांकर बना था ना कश्मीर के बॉर्डर एरिया में, जो पीओके के आसपास के, पीओके तो अभी बना है लास्ट में, वो थोड़ा सा समझौता करके बनाया गया ताकि और मारपीट ना हो, क्योंकि जान जाते तो आम आदमी का जाता है चाहे वो पाकिस्तान के हो या भारत का, लेकिन बात जब एक देश के ऊपर आ जाता है ना तो इस मैटर को बहुत सेंसिटिव हो जाता है, तो इसलिए देश को सुबह समझ के चलना पड़ता है, और हमारे देश का दो थ्रेट है सर, एक पाकिस्तान एक चाइना, चाइना बड़ा थ्रेट है, पाकिस्तान अकेला कुछ नहीं कर पाएगा उसको हम लोग, चाइना हाँ जब, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि इंडिया ग्रो करे, क्योंकि इंडिया ग्रो कर जाएगा तो उसका इंटरनेशनल दबदबा कम हो जाएगा, ये जो एक्सपोर्ट में वो लीड करता है ना, और दुनिया को पता है कि इंडिया भी कर सकता है, वो अलग बात कि हम लोग अभी भी ब्रिटिश का जो बेड़ी हमारे पैर में लगा हुआ है ना वो अभी तक हम लोग खोल नहीं पाए,
अभी भी हम लोग ब्रिटिश का चमचा जैसे ही बन के रहे हैं सर, क्या दिक्कत है? अभी भी हम लोग हर चीज में देसी चीज को छोटा करते हैं और विदेशी चीज को बड़ा करते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है ना, हम लोग अपने देश के बारे में जान नहीं पाते। जब देश के बारे में कम जानोगे तो ऑटोमेटिकली देश का चीजें तुम बाहर बेच नहीं पाओगे। सिंपल बोलो कि जैसे अगर तुमको यहाँ पर बैठ के लगता है, जैसे कोलकाता का अगर मैं बात करूँ, यहाँ के कल्चर में तो ब्रिटिश कल्चर भर भर के। लेकटाउन में जो बिग बेन बना, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस स्ट्रक्चर, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं। ये जो बिग बेन जो घड़ी बना है लेकटाउन में 2015-16, तुम बिग बेन जो लंदन में है, तुम लंदन का स्ट्रक्चर को कोलकाता में लेकटाउन में एक छोटा सा वर्जन बना रहे हो। नहीं देखो, मेरे को उल्टा मत लेना, गलत तरीके से मत लो, बात को समझना, रियलाइज करना मैं कहना क्या चाहता हूँ। फिर ना पसंद आए कोई बात हो, आपका अपना अपना पॉइंट रह सकता है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि भाई तुम भारत में कोलकाता जैसे एक शहर में तुम बिग बेन क्यों बना रहे हो? तुम इसका मतलब क्या, तुम मान क्या रहे हो कि लंदन में जो भी है वो बेस्ट है और हमारे देश में जो है वो बेकार चीज है? यानी हमारे देश का जो संस्कृति है वो बेकार है, लंदन का संस्कृति बेस्ट राजस्थान है कुछ भी देश के हिसाब से बना सकते थे, इनोवेटिव जो बंगाल के कल्चर को शोभा देता है ना, हमारे संस्कृति के हिसाब से। क्या चीज? वो क्या होते हैं? देखते हो टाइम अच्छा, सूरज से जो टाइम देखते हैं, घंटा, हाँ घंटा घर जैसे काफी जगह में होता है। हाँ ऐसा बना सकते थे, काली माता के ऊपर कुछ कर सकते थे क्योंकि कोलकाता का नाम काली माता से ही है। ठीक है, कुछ भी जो बंगाल का पुराना हिस्ट्री कल्चर को शोभा देता है। ठीक है, गंगा डिनेस्टी, कोलकाता बंगाल में काफी बड़े बड़े राजा थे सर, इनके पास इतना बड़ा बड़ा हाथी घोड़ा था ना, जिनको देखने के लिए अलेक्जेंडर भी डरता था, इसका भी इतिहास है। अच्छा ठीक है, तो हाँ बोरस से हार के निकल गया, मैंने अलेक्जेंडर को भी डर था कि इधर ईस्ट में नहीं आना है, ईस्ट में, क्योंकि यहाँ पर कुछ राजा थे जिनके पास हाथी होता था, तो उस टाइम पे युद्ध में हाथी यूज कम होता था और इधर था। हाँ तो इधर बंगाल में राजा लोगों के पास था, ये सब इतिहास है। इवन इसका इतिहास देखने के लिए बोसीराट में जाओ, बोसीराट में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे साइट है। ठीक है, वहां पर जगह का नाम है, मैं भूल जा रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं है, बोसीराट के पास ही, आप चाहो तो कभी जा सकते हो, हो सके तो मैं कभी अगर लेके, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं भी लेके जा सकता हूँ। हाँ ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, मोटा मोटी 70-80 किलोमीटर के अंदर है, बेड़ा चापा बोल के जगह है ना, बेड़ा चापा के पास कहीं पर है, वो बहुत पुराना इतिहास है। क्योंकि बंगाल जो है ना, ये बेसिकली सूखा नहीं है ना, गीला एरिया है, मैंने इधर बारिश साइक्लोन बहुत ज्यादा होता है, तो तुम ज्यादा दिन चीजें तो मिलेगा नहीं क्योंकि सब पानी में ढक गया है। नॉर्थ इंडिया में क्या है, वो सूखा एरिया है, तो आपको मिल जाता है चीजें। ठंडा हाँ एरिया लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर बारिश और तूफान बहुत ज्यादा है, तो पानी हर चीज को क्या करता है, नीचे कर देता है, लेके चल जाता है, तो इसलिए बंगाल का चीजें मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। तो अभी पॉइंट इज नॉट दैट कि अब बिग, आई एम नॉट अगेंस्ट द बिग बैंग, मेरा कहने का मतलब है क्योंकि ऐसा चीज बनाओ ना जो दूसरे कंट्री के लोग आके बोले, जैसे लोग कभी विक्टोरिया मेमोरियल देखने थोड़ी ना फॉरेनर आता है इधर, लोग राजस्थान के घराना देखने के लिए आता है ना, फोर्ट देखने के लिए आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो उनके ही उनके कंट्री में ऐसे चीजें बहुत मिलेंगे, तो अगर हम अपना चीज बना के दूसरे को दे पाए ना, तो लोग आएगा हमारे देश, क्योंकि उनको यूनिकनेस लगेगा कि भाई जैसे हम लोग जापान जाएंगे तो जापान में जाके क्या ब्रिटिश आर्कियोलॉजी देखने जाएंगे, यार जापान का कल्चर देखने जाएंगे, वही देखने में मजा आएगा। यही चीज चाहिए सर, कि जब तक हम अपनी चीजों को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी अपना देश आगे ग्रो नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाकी मतलब उसको छोटा करो, ऐसा तो नहीं है ना, अपने आप को बड़ा करने का मतलब ये थोड़ी है कि किसी को छोटा करना है, अपने आप को बड़ा करने का मतलब ये होता है कि अपनी चीजों के बारे में एक रेस्पेक्ट क्रिएट करना, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और वही जरूरी। अब ये जो डिफेंस है, ये सब्सिडी देना पड़ता है, ये भी बहुत बेकार का चीज है। युद्ध में अगर सारा पैसा चला जाएगा, मैंने अगर एक कंट्री करोड़ों कमाते हैं, ट्रिलियन में कमाते हैं, तो 17% तो इधर चला जाता है। अच्छा बाकी देखो, सब्सिडी में देखो आर्थिक सहायता जाता है 7%, ओनली डिफेंस में 8%, और ये क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, डिफेंस सब्सिडी एज वेल एज दूसरे खर्चा, माने बाकी जितना भी सरकार सहायता करके इधर उधर स्कीम लगाते हैं, मोदी जी करते हैं ना, इस स्कीम के तहत, उस स्कीम के तहत, हर स्टेट को भी कुछ ना कुछ देता रहता है, ये सब इधर चला। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में 9%, अदर एक्सपेंडिचर में 8%, पेंशन में 4%, स्टेट शेयर्स एंड टैक्सेस में 18%, माने सेंट्रल गवर्नमेंट जितना इनकम करते हैं उसमें से 18% हर स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है, वो तो देना ही पड़ेगा भाई, तभी ना भारत कहलाओगे। ठीक है, नहीं तो फिर दिल्ली अलग और बाकी स्टेट अलग हो जाएगा।
ठीक है, ऐसे ही थोड़ा बहुत मुश्किल है देश के अंदर। ये है देश का प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है, इनकम टैक्स। बात को समझे, मतलब आप क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और उस सब्जेक्ट का जड़ क्या है। अगर आप ये जड़ नहीं समझोगे तो फिर सब्जेक्ट पढ़ने का क्या मतलब। इवन आप लोग आगे जाके गवर्नमेंट के बजट में भी काम कर सकते हो। हाँ सर, हाँ क्या है दिक्कत है, सीएससी में पास कर दो फिर आईएएस यूपीएससी क्रैक करो, अलग बात है, लेकिन चांसेस बढ़ जाएगा आपके, बाकी लोगों से बेहतर कर सकते हो, क्योंकि जो एक बार एक प्रोफेशनल क्रैक कर सकते हैं तो दूसरे टाइप का भी क्रैक कर सकते हैं। या फिर अगर डायरेक्ट बोर्ड में नहीं जा सकते तो कम से कम बोर्ड में तो रह सकते हो, माने आप आईएएस नहीं बन पाओगे कोई दिक्कत नहीं, आईपीएस भी नहीं बनना है या फिर आईआरएस भी नहीं बनना है, लेकिन आईआरएस के गैंग में काफी सारे और भी अथॉरिटीज होते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू थ्रू से बनता है, वहां पर भी आप काम कर सकते हो। गवर्नमेंट भी थर्ड पार्टी हायर करते हैं, फार्म को हायर करते हैं, उनके लिए भी काम कर सकते। देर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो चलता रहता है। तो कहने का मतलब ये कि देश का पूरा खेल है, देश को समझना जरूरी है, और इसी चक्कर में ये सब सिस्टम सामने आ जाता है। बाकी यहाँ पर देखो ये पूरा देश का पूरा डेफिसिट स्टैटिस्टिक्स की, हमारा देश एक्चुअली डेफिसिट है, एक्सपोर्ट कम करते हैं इम्पोर्ट अभी भी ज्यादा करना पड़ता है, तो ये जब तक डेफिसिट इकोनॉमी है पूरा कैलकुलेशन देके रखा है, पूरा कैलकुलेशन से कितना डेफिसिट है, क्या ट्रेंड है, क्या चेंज हो रहा है, जीडीपी ट्रेंड क्या है, फाइनेंसिंग क्या है, सब कुछ जुड़ा है। लेकिन इस पूरे जड़ के ऊपर एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि सरकार का सबसे ज्यादा रेवेन्यू टैक्स से आता है, और इसीलिए आप लोगों को दो सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, तीनों ही पढ़ा जाता है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स एक्साइज, ये चारों टैक्स आपको पढ़ना पड़ता है। हाँ, एयरपोर्ट में उतर के जब आपके घर पे आएगा, मैंने आप मार्केट में निकाल दे, पहले आपको ड्यूटी पे करना, उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। कुछ भी, हाँ 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 पूरा, इवन कुछ ऐसे भी गाड़ी हैं लग्जरी कार, बोलिए बोलो, लग्जरी कार का तो डबल टैक्स होता है, मैंने मानो गाड़ी का दाम 100 रुपया है, सॉरी मानो 10-50 लाख का मानो एक गाड़ी है, ठीक है, उस गाड़ी को इंडिया में लाने का खर्चा 1 करोड़, 1 करोड़, डिपेंड करता है कि कब क्या चल, वो कस्टम के क्लास में पढ़ाऊंगा आप लोगों में। ये सचिन के साथ हुआ था, सचिन के साथ हुआ था, एक मूवी भी बना है फरारी की सवारी, आप लोग देखे होंगे, वो एक्चुअली सचिन के कार के ऊपर ही बना था स्टोरी, क्योंकि इंडिया में पहला फरारी कार सचिन का ही है मोस्ट प्रोबली, ऐसा जैसे खबर मिलता है। तो फरारी कार सचिन को गिफ्ट में मिला था, मैंने क्रिकेट में कुछ जीता था उसके कारण, लेकिन उस कार को इंडिया में लाने का जो खर्चा था उस मैंने वो बेसिकली गाड़ी के दाम से ज्यादा था, क्योंकि सरकार उसमें इतना एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा के रखा। सचिन ने बोला फिर गाड़ी का जो लाने का खर्च है उसमें गाड़ी गाड़ी दो गाड़ी आ जाएगा, ठीक है, तो फिर हम गाड़ी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर कंपनी ने बात को समझा, फिर कंपनी सचिन को बोला ठीक है ये गाड़ी हम लोग अपने कॉस्ट से आपके पास पहुंचाएंगे, और साथ में आप इंटरनेशनल फरारी का ब्रांड एम्बेसडर भी बनते हैं। नहीं मतलब ऑडी का बना, नहीं पहले शायद फरारी का भी बना था, पेमेंट गुप्ता नहीं तो वो मेरा गिफ्ट टाइप में गिफ्ट में आ गया अच्छा। सचिन को, खुद के नहीं, कंपनी गिफ्ट कर दिया, कंपनी गिफ्ट कर, समझे। और उसका इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज था वो गवर्नमेंट के साथ बैठ के वो लोग डिस्कस एक बार फर्स्ट टाइम किया था 2011 में, आपने हमको एक्टर कैटेगरी मिला था टैक्स से बचने के लिए, मतलब क्रिकेटर लोग अगर एंडोर्समेंट डील करेगा इसमें ब्रांड का तो उनको इनकम टैक्स 17% देना देना पड़ता, पड़ता। तो वो एक्टर में आ गया जिसमें बहुत छूट होती है और एज भी होता है, जीत गया कि हाँ सचिन एक्टर है क्रिकेटर ठीक अभी इसको करना सही है, मैं देखूंगा ये, मैं मुझे पता लगेगा पता एक्टर बन गया, क्योंकि ठीक है। इसमें स्पॉन्सर जैसा गॉड काफी ऑफ क्रिकेटर स्पॉन्सर था। ये बेसिकली आप लोगों को ध्यान में रखना है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये सब चीज जो अभी लिखा रहा हूँ ना, इसी कारण से लिखा रहा हूँ कि ये जो हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, ये इनकम टैक्स का सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से इनकम टैक्स को लिखा गया है, मैंने जब भी इनकम टैक्स के बेसिस में बात होता है तो कौन सा सोर्स को ज्यादा अहमियत दिया जाता है, तो इसी के लिए लिख रहे हैं सर हम, ठीक है। नहीं तो कोई बोलेगा सर कौन सा सोर्स में इनकम टैक्स आ गया, कहाँ से लिया जा रहा है, पता होना चाहिए ना। चलो और आगे देखते, सर्कुलर हो गया, नोटिफिकेशंस हो गया, चलिए लोग थोड़ा पूछ लेते हैं कौन कौन है। कोनिका, प्रिया, शालिनी, बोलो सर, समझ में आ रहा है आप लोगों को?
सर्कुलर नोटिफिकेशन लिख लिए, अच्छा लीगल डिसीजन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स लिख लो सर। क्या हुआ लिख नहीं रहा है? लीगल डिसीजन लिख लिया? लीगल डिसीजन क्या होता है? लीगल डिसीजन क्या होता है सर? लीगल डिसीजन उसे कहते हैं जब कंपनी कंपनी नहीं मैंने टैक्स रिलेटेड बहुत सारे लीगल केसेस चलता है ना, कोर्ट केसेस। अभी जैसे हुआ, जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ 284 करोड़ का वो कॉर्पोरेट टैक्स में, तो ऐसे हमेशा केस चलता रहता है, तो वो केस भी पढ़ाई का एक पार्ट बन जाता है। जब आप लोग फाइनल में आओगे ना तो वहां पर आपको ऐसे केसेस दिया जाएगा, केस स्टडीज दिया जाएगा, वो रियल केस पढ़ के आपको जवाब देना पड़ता है कि ऐसे सिचुएशंस में ऐसा हुआ था तो आप इसका क्या जवाब दें, क्योंकि कोर्ट में जब जजेस, हाँ ऑब्वियसली एडवाइस करने के लिए, जैसे कोर्ट में जब कोई जज डिसीजन लेता है, ठीक है, क्योंकि कोर्ट में मानो कोई डिस्प्यूट चल रहा है, अब मानो मेरा डिस्प्यूट है, मैं तुम लोग मानो लॉयर हो, ठीक है, तुम सरकारी लॉयर हो या मेरा लॉयर, अब सरकार मेरे अगेंस्ट में रहेगा, जैसे ये 284 करोड़ का जो केस बना है इसमें मैं भी एक लॉयर हायर करूंगा, ठीक है, और तुम भी एक लॉयर हायर करोगे, तुम तो गवर्नमेंट हो, तुम गवर्नमेंट के लॉयर हो, अब कोर्ट में मानो ये बंदा जज है, ठीक है, अब इनके पास जाके हम लोगों को केस को प्रूव करना है, तुम बोलोगे देखो भाई ये सरकार का रेवेन्यू मार रहा है, ठीक है, तो उसके लिए तुम जितना सारा पॉइंट्स है, इसके लिए जितना सारा पॉइंट्स है तुम सारा पॉइंट्स गवर्नमेंट को प्रूव करोगे, फिर गवर्नमेंट मैंने जज के सामने तुम प्रूव कर दी, लेकिन ये मेरा लॉयर है, ठीक है, अब ये तुमको काटने का पूरा कोशिश करेगा, और उसके लिए तुम्हारे पास सफिशियंट लॉजिक एंड ऑनेस्टी, हाँ ट्रूथ होना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट लॉयर गलत बोल रहा है। अब ये बात जब तुम लोग लड़ाई करोगे ना तो लड़ाई का बेस होना चाहिए, ऐसे तो बेस उसके पास भी है, बेस तुम्हारे पास भी, लेकिन जिसका बेस ज्यादा स्ट्रांग प्रूव होगा वही चीज बाद में जाके जीतेगा। गवर्नमेंट भी हारता है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का केस नहीं हारता, स्टेट वर्सेस का मतलब यही होता है, स्टेट वर्सेस केस हो जाता है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल जीतता है बहुत केस में, बहुत केस में जीतता है, हाँ खुद भी लड़ सकते हो आप, खुद तब लड़ा जाता है जब लॉयर पे भरोसा नहीं होता है, या फिर आपको लगता है कि आप इस केस, आपको ज्ञानी होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज तो आपको खुद को होना चाहिए अपने बारे में, जिस केस के बारे में आप लड़ो, भले ही आप लॉयर ना हो, बिना लॉयर का भी केस लड़ा जा सकता है, ये हमारे देश में प्रोविजन है, ये लॉयर को ही हायर करना पड़ेगा ऐसा बात नहीं, लेकिन खुद लड़ने के लिए आपको कुछ डेकोरम आना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के डेकोरम के बारे में तो नॉलेज सबको होता नहीं है, डेकोरम माने कोर्ट में कैसे बात को पेश किया जाता है, इवन रिसेंटली अगर आप ओमाई गॉड देखोगे ना OMG 2 में, वहां पर भी तो बंदा केस जॉनी रेलवे में भी दिखाया था, तो ऐसा एक्चुअल में है, इसीलिए वो प्रोविजंस को ऐसे करके दिखाया जाता है, ठीक है, तो आप खुद भी केस लड़ सकते हो, लेकिन हाँ आपको डेकोरम पता होना चाहिए, प्रोविजंस का नॉलेज होना चाहिए, तब आप बिल्कुल जीत सकते, ठीक है, तो लीगल डिसीजन बाद में, एक लीगल डिसीजन मानो 2000 में आया था, 2000 में आया था, 2023 में हमारा सिमिलर काइंड ऑफ एक केस आया कोर्ट में, आ सकता है, तो तब कोर्ट क्या करता है, पुराने केसेस को मद्देनजर रखते हुए न्यू केस का डिसीजन देते हैं, तो कोर्ट के लिए आसान हो जाता है ना, कि पहले भी हुआ था, अब मानूंगी पहले देश कुछ एक सिस्टम पे चलता था, अभी का सिस्टम थोड़ा अलग है, ठीक है, अब 2023 का कॉन्सेप्ट बदल गया है, 2000 का कॉन्सेप्ट बदल गया है, तो उसके फेवर में या अगेंस्ट में अगर आप पॉइंट रख पाते हो तो केस बदल सकता है, ऐसा नहीं कि पहले जो बोला गया वही सच्चाई है, केस बदल भी सकता है, तो ये सब डिपेंड करता है, बट इतना समझ लो कि ये जो टैक्स रिलेटेड मैटर आया इनकम टैक्स एक्ट 1961 मेन इसका सोर्स है, एनुअल फाइनेंस एक्ट हर साल जो आता है, इनकम टैक्स रूल, सर्कुलर नोटिफिकेशन एंड लीगल डिसीजंस, ओके ठीक है सर, कहाँ है, इधर है ही नहीं, तुम नहीं इधर, नहीं एकदम नहीं है, इधर खो गया, मैच के बारे में सोच रहा, मैच जब खेलेगा तब मैच के बारे में सोच, अब अगला एक घंटा मेरे साथ रहे, अभी टैक्स के साथ रहे, चलो आगे लिखो सर, दूसरे कॉलम में लिखिए सर, इसका हेडिंग होगा सर स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, स्टेप्स फॉर
कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ये जानते हो आप लोग, ये भी रिसेंटली भी मैं एक बार लिखा था, टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, रिसेंटली भी मैंने एक बार टोटल इनकम कराने से टाइम पे लिखा था। मैं बोलता रहता हूँ हमेशा, आप लोग घर पे रिवाइज नहीं करते होंगे तो फिर मुश्किल। देखो इसमें एक एक पॉइंट करके लिखूंगा। जैसे सबसे पहले क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, है ना सर, स्टेप्स लिखा रहा हूँ, पहले भी लिखा है क्योंकि अभी मैं बेसिक में लिखा रहा हूँ तो बेसिक में भी नोट में होना चाहिए, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर, ठीक है। तो इसमें मैं लिखा के रखा, देखो ये तो लिखा हुआ है। लिखा हुआ तो क्या हुआ, ये बेसिक का नोट है ना, फिर बाद में बेसिक का नोट में बोलोगे सर बेसिक में आपने लिखा है नहीं, पूरा लिखा है आपने, बहुत अच्छा है सर, वो टोटल इनकम के हेड में लिखा है और ये बेसिक के हेड में लिखा रहा हूँ। तो जब आप बाद में रिवाइज करोगे आपको दोनों जगह में दिखेगा तो आपको दोबारा रिपीट हो जाएगा। और लिखने में क्या दिक्कत है सर, लिखने में क्या दिक्कत है आप मुझे बताओ। अच्छा डिटर्मिनेशन ऑफ, पहला स्टेप है डिटर्मिनेशन रेजिडेंशियल स्टेटस, सेकंड में लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स, जल्दी लिखो, ये जानते हो, जल्दी लिखो, इसमें मुझे कुछ बताने का जरूरत नहीं है। ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स, थर्ड में लिखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड, फिर लिखो क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस, क्लबिंग ऑफ एक इनकम टाइम नहीं ऑफ, सकते, हाँ एक में गिना जाएगा, अगर आप हाँ बीवी को ट्रांसफर कर कर दोगे या बच्चों पे ट्रांसफर कर दोगे, ठीक आपका ही गिना है, जाएगा। तो फिर वो मेरा ही गिना जाएगा। वेरी गुड सर, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस एंड माइनर चाइल्ड, एंड माइनर चाइल्ड, ये सब ध्यान में रखना है सर, तब जाके आप इनकम टैक्स में एक्सपर्ट बनोगे। बेसिक बेसिक बातें हैं पर बेसिक चीज ही तो जरूरी होता है। कोई बोलता है मैं बहुत ज्ञानी हूं और मुझे बेसिक नहीं पता, ऐसा ज्ञान का क्या मतलब जो बेसिक से नहीं पता आपको। हाँ सर, फाइनेंस चाइल्ड का इनकम कैसे दिखाओ जो तो अंडर एटीन, नहीं क्या होता है कई बार माइनर चाइल्ड को स्पेशल टैलेंट दिखा के, हाँ क्या है कर देते, जैसे बच्चा गाना गाता है, ठीक है, बच्चा अच्छा डांसिंग करता है, कहीं पर प्राइज जीत के आता है, तो कई बार क्या करते हैं ना, वो जानबूझ के बच्चे के नाम पे एसेट ट्रांसफर कर दिया, ये घर तो मेरा बच्चे का है, मैं सिखाऊंगा क्लबिंग में। जैसे मानो अमिताभ बच्चन, अगर अभिषेक बच्चन मानो माइनर है 2 मिनट के लिए, ठीक है, अभिषेक बच्चन माइनर है, अभिषेक बच्चन को एक घर ट्रांसफर कर दिया, फिर बच्चन जी बोल रहे हैं कि भाई ये घर तो अभिषेक का ही, मेरा घर नहीं है, उस गेट से घर से जो भी रेंट आता है वो मेरा अभिषेक का है, ठीक है। तो वो बेसिकली कोशिश ये कर रहा है क्योंकि उसका प्रॉपर्टी बहुत है तो वो थोड़ा सा अपना इनकम को कम शो करना चाहता है, ठीक है। लेकिन ऐसा करके आप बच नहीं सकते, अभिषेक को कहाँ से इनकम आया, ऐसा क्या उखाड़ लिया अभिषेक ने ऐसा क्या उखाड़ लिया अभिषेक ने, मतलब आप नहीं दिया होगा, तो फिर आप नहीं दिया होगा तो फिर इसको आपका इनकम मानेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ मानो अभिषेक बच्चन टैलेंटेड भी है, हाँ सर टैलेंट है उसमें, ठीक है, तभी ना मूवी करता है, सिर्फ किसी का पापा एक्टर होने से ही कोई बच्चा एक्टर नहीं बन सकता, अब उसका रणवीर अच्छा कपूर भी अच्छा है। एक्टर है, बिल्कुल अच्छा एक्टर, ठीक है। हाँ अमिताभ बच्चन का क्या है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव ज्यादा है क्योंकि हमेशा हम लोग उसको अमिताभ बच्चन के साथ कंपेयर कर बैठते हैं, गलत यही गलत है, कंपेयर नहीं करना चाहिए, बाप बाप है, बेटा बेटा है, ठीक है पहचान, हमेशा बाप कौन बोलेगा तो मुश्किल ही हो जाएगा ना, ठीक है। ये मानेंगे कि ऋषि कपूर जैसे अपना एक छाप छोड़ा है, रणबीर कपूर भी अपना एक छाप छोड़ा है, अभिषेक बच्चन उस हिसाब से अमिताभ बच्चन की तरह नहीं कर पाए अभी तक, बट कुछ मूवी मेरे को भी काफी अच्छा लगा, जैसे मानो गुरु देखना उनका, धीरूभाई अंबानी के जीवन के ऊपर है, काफी बेहतर एक्टिंग किया है मूवी में, चार चांद लगे करके, तो ऐसे दो चांद, जैसे एक मूवी किया बोल बच्चन बोल के, कॉमेडी मूवी किया उसमें भी अच्छा एक्टिंग किया, ठीक है। तो कुछ मूवी में अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं है, तो अपने टैलेंट पे बंदा अगर कुछ कमाता है ना, अगर वो माइनर है, ठीक है, अभी अब मैं पर एग्जाम्पल में माइनर मान रहा हूँ अभिषेक को, ठीक है, तो माइनर अगर अपने टैलेंट में कुछ कर रहे हैं तो वो इनकम टैक्स उसको खुद ही देना है,
वो माँ बाप अपनी इनकम पे ट्रांसफर नहीं करेंगे। लेकिन अगर बनो बात माँ बाप अपने इनकम को कम दिखाने के लिए बच्चों के नाम पे दिखा रहे तो फिर वो इनकम क्लब्ड हो जाएगा, मैंने माँ बाप के इनकम पे क्लब्ड हो जाएगा। उसे माँ बाप पे किसके, कैसे बनो अभी तक अभिषेक बच्चन एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता है जहां पर अमित जी भी काफी अच्छा अर्न करते हैं, जया बच्चन जी भी अर्निंग करते हैं। जया बच्चन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है, समाजवादी पार्टी के टिकट से है, मायावती जी का पार्टी है ना उत्तर प्रदेश में, मायावती जी के पार्टी के टिकट से राज्यसभा का मेंबर है अपर हाउस का, ठीक है। ऊपर से कभी कभी कुछ मूवी तो कर ही लेते हैं, एजेंट माँ बाप उसे कभी खुशी कभी गम में रोल नहीं किया, तो ऐसे किसी न किसी मूवी में माँ का रोल तो कर ही लेते हैं। ऐसे एक टाइम पे काफी अच्छे एक्ट्रेस थे, जया भादुड़ी, तब नाम था जया भादुड़ी मेरे टाइटल जो है, ठीक है ठीक है। तो जया भादुड़ी जब वो थे तो अब उनका मूवी देखे ना, एक्टिंग अकेला एक मूवी चलाने का दम रखते थे जया भादुड़ी, जया बच्चन, यानी एक मूवी में एक लीड रोल अकेला। जैसे आजकल कुछ कुछ एक्ट्रेस होते हैं ना जैसे जो अपने दम पे मूवी चला सकते एज एन एक्ट्रेस, जैसे मैंने कंगना रनौत, उसको एक्टर का जरूरत नहीं है। पुराने जमाने में क्या चलता था, हीरो होगा तो एक हीरोइन होगा, डांस करेंगे घूमेंगे, हाँ सर। लेकिन कंगना रनौत वो थोड़ा सा पकड़ पकड़ के कारण, लेकिन जब मैं एज एन एक्टर देखा, एज एन एक्टर देखा, जैसे उसका अगर तुम क्वीन देखोगे, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, क्वीन देख लो, मैंने एज एन एक्टर एक अकेला एक्ट्रेस होने के नाते वो एक मूवी को चला सकते, ऐसा सब में इतना दम नहीं होता। मैंने एक लड़की एक मूवी में पूरा दम दिखा के मूवी को चला रहे हैं, मैंने जैसे एक हीरो की तरह ही है, ठीक है, ऐसा पहले इतना होता नहीं था। तो जया भादुड़ी के टाइम पे जया भादुड़ी ऐसा कर सकते थे। पुराना मूवी है तो शायद आप लोग देखोगे नहीं, पर मैं एक चार दो चार मूवी ऐसे देखा जो भी हो। चलो तो क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस एंड माइनर चाइल्ड डिस्कस करने के लिए इतना टॉपिक है, बह जाते हैं कभी। छोड़ो, फिर आ जाएगा सर कॉम्प्यूटेशन ऑफ जीटीआई, फिर आ जाएगा कॉम्प्यूटेशन ऑफ जीटीआई। ये सब आप लोग जानते हो, ग्रॉस टोटल इनकम, हाँ सर। देखो कितना आसान लग रहा है ना, क्योंकि हम लोग रिसेंटली टोटल इनकम कर चुके हैं, तो अभी बेसिक पढ़ने में आपको कितना आसान लगेगा, नहीं तो बेसिक में ये चीज जब जो कोई ऐसे, ठीक है, वो बोलेगा कहाँ से आ रहा है। इसलिए मैं थोड़ा ना पहले ना टोटल इनकम करा देता हूँ, करने से ना काफी ईजी हो जाता है। फिर आ जाता है सर डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई, ये भी आपको पता है, एटलीस्ट इतना तो पता ही है सबको कि भाई डिडक्शन कहाँ से मिलता है। इसलिए मैं वहां पर आप लोगों को बार बार बोल रहा था, जो लोग पहली पहली बार इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, कि टोटल इनकम करो, समझने का पूरा जरूरत नहीं है, लेकिन टेक्निक देखो कि कैसे एक टैक्स का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। फिर आ जाता है सर कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर आ जाता है कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। बोलो, बड़े पॉइंट है तो इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सारे पॉइंट लिखो या फिर कोई भी कुछ पॉइंट लिखो, जैसे एग्जाम में पहले आता है ना, एग्जाम में जैसे मानो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो जैसे तुम लोग सीए के एग्जाम में इतना ये सब क्वेश्चन कम पड़ता है, लेकिन सीएमए के एग्जाम में जैसे न्यू सिलेबस में सीएमए में भी थोड़ा एमसीक्यू पैटर्न रखने का बात किया, ठीक है, तो वैसे सीएमए में ऑलरेडी पहले से ही ना वो फिल इन द ब्लैंक्स ये सब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपने आपको यहाँ पे से कुछ जैसे मैंने एक सिंपल क्वेश्चन कर दिया, मैं क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा बहुत जल्दी इनकम इंस्टीट्यूट का। जैसे मानो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ, तो आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन सर बाकी कुछ अलग ऑप्शन दे दिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स रूल क्या सच में सोर्स है इनकम टैक्स का। तो मानो आपने कभी इस चीज को पढ़ा ही नहीं कि इनकम टैक्स रूल भी इनकम टैक्स का सोर्स है। आप बोलेगा इनकम टैक्स का सोर्स तो नॉर्मली क्या है, नॉर्मली बोलेगा इनकम टैक्स का सोर्स 1961 इनकम टैक्स एक्ट है, यही ज्यादातर लोग सोचेगा। एनुअल फाइनेंस एक्ट का इनकम टैक्स का सोर्स है, ये कोई सोचेगा ही नहीं। फाइनेंस एक्ट के साथ इनकम टैक्स का क्या कनेक्शन है, लोगों को पता ही नहीं होगा। ये जो बजट में आपको पढ़ के दिखाया, ये बजट क्या है, एवरी ईयर इंडिया का फाइनेंस बजट है, तो वो फाइनेंस एक्ट के कारण ही ना वो बजट आता है, लेकिन वो भी इनकम टैक्स का सोर्स के अंदर कॉम्पोनेंट का पार्ट है ना सर। तो आपको ऐसे एक क्वेश्चन देखिए आपको पूछ सकता है। अच्छा,
फिर ऐसे यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? ये जो कॉन्सेप्ट आपको मैं अभी यहाँ पर जो दिखा रहा, जैसे मानो एक सेकेंड, ये डंडा कहाँ से आ गया? हाँ यहाँ पर नीचे आ भाई, क्या हो गया? एंड नहीं आ रहे, बीच बीच में क्या हो जाता है उसको? हाँ अब आया, ये देखो कि स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक टोटल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा स्टेप फॉलो होता है। अब मानो आपको मैचिंग भी देता है, जैसे सीएमए के एग्जाम में तो मैचिंग दे देता है। हाँ मैचिंग जैसे बचपन में होता है ना, ऐसे मैचिंग देता है, ठीक है? हाँ अच्छा वाला, तो फिर आपको दोनों साइड में मैच करने के लिए कि इसके साथ इसको मैच करो, तो मैचिंग करके दे सकते। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते, बस आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या होता है। मैं सिंपल बात है सर, आप क्रिकेट खेलते हो, दर्श बॉलर आपको बॉल के तो सवाल करता नहीं, जब आप बैटिंग करते हो बॉलर का हर गेंद में सवाल होता होता है कि नहीं होता? एक बैट्समैन के लिए ईच एंड एवरी बॉल इज अ क्वेश्चन। बैट्समैन तो बैटिंग स्टांस में खड़ा है, उसको पता नहीं है कि ओवर पिच डालेगा, उसको ये भी नहीं पता कि यॉर्कर मारेगा, उसको ये भी नहीं पता कि बाउंस मारेगा। तो बॉलर जो बॉलिंग फेंकता है ना, वो क्वेश्चन करता है बॉल में क्या मारू। हाँ बॉलर भी क्वेश्चन करता है, बैट्समैन भी क्वेश्चन करता है कि मैं तेरे को क्या मारूंगा, कहाँ मारूंगा, ठीक है? तो सिमिलरली एग्जाम में भी ऐसा ही होता है कि वो आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? लेकिन आपको अगर पता है ना कि खेलना कैसे है, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे आप जवाब दे सकते हो। हाँ यार बोल के तो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट भी नहीं करता है, लेकिन इफ यू नो, अगर आपको पता है कि चीज क्या है, तो फिर वो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले, मैचिंग में दे दे, या फिर किसी बड़ा क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट भी दे दे, ट्रू फॉल्स भी दे दे, क्या फर्क पड़ता है? यू जस्ट नीड टू नो कि भाई ऐसा होता है। ऑब्जेक्टिव में मार्क उठा लोगे तो ऐसे पेपर होगा। हां 30-40 अगर ऑब्जेक्टिव पे वहां जाता है, अगर 30 भी अगर उठा लिए तो आराम से पास करने का बहुत अच्छा मौका रहा है। न्यू सिलेबस में तो और अच्छा, सीए का भी, सीएमए का भी, और सीएस का तो मिलता ही है, थोड़ा सा मौका रहता ही। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली पढ़ो ना, पढ़ाई इजी हो जाता है, टफ नहीं होता। बट क्या है ना, लोग इतना समय देना ही नहीं चाहता, सबको शॉर्टकट में सब खत्म करना, भाई खत्म करके कहाँ भागोगे? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर आ जाता है सर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, फिर आ जाता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। उसके ऊपर अच्छा देख हो गया इतना तक बेसिक कॉन्सेप्ट में, पहला दो कॉलम हो गया। अच्छा अब तीसरा और चौथा कॉलम बाकी, मैं बोला था ना टोटल चार कॉलम बनेगा। अरे तुम लोग अपने करो ना, मैं तो अपने लिए कर रहा हूँ। अरे ये माइक्रोसॉफ्ट का ये वाला बोर्ड ना, मैं आजकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ थोड़ा, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ क्या हो रहा है। मैं नॉर्मली गूगल में करता हूँ, जैम बोर्ड में, उसमें आदत है मेरा, लेकिन मैं देखता हूँ कि उसमें कभी कभी प्रॉब्लम करता है, तो इसमें थोड़ा आदत डाल। और लाइव क्लास में पता लगता है, ऐसे बैठ के तो प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं बोलता हूँ अभी स्टार्टिंग में है तो उतना दिक्कत नहीं होगी, इसको अलग से बहुत प्रैक्टिस करना नहीं करना पड़ता है कभी कभी वैसे मेरा तो फिर भी कंप्यूटर स्किल्स है, मैम को दिक्कत होता है क्योंकि मैम का इतना मतलब मैम को कंप्यूटर में रुचि नहीं है। गूगल पे कुछ बोल के पूछ लेगा, लेकिन जैसे हम लोग फीचर समझते हैं ना, मैं तो कंप्यूटर गीक हूँ, मैं बैठे बैठे मैं कंप्यूटर को मैकेनिक को भी दिखाता नहीं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज को खुद पीसी बना लेना।
इसको मैं ही बना गया। चलो ये तो इंजीनियर बन गए सर, ठीक है। तो सबको आदत नहीं होता है। अच्छा लिखो, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। अच्छा अगर आपको इनकम टैक्स कुछ समझना है तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस भी जानना है। यहाँ पर हेडिंग कर दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस बुक के, ठीक है। से क्या हो जाए, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस में जैसे आपको क्या क्या जानना है, मैं अभी बोलते बोलते जाऊंगा, फिर आगे आगे नोट्स में भी लिखाऊंगा। जैसे आपको इनकम टैक्स को ग्रिप करना है तो आपको एसएससी के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? एसएससी के बारे में। फिर आपको किसके बारे में जानना है? हम ऐसे ही नॉर्मली लिखते हैं जैसे आप देखें। हाँ, ऐसे लिखते, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एसएससी के जानना है, असेसमेंट के मतलब जानना है, पर्सन कौन होता है इन्हें जानना है, ASSESSEE, ठीक है। SSE, ASSESSEE, हाँ, ASSESSEE। फिर आ जाता है असेसमेंट, फिर आता है पर्सन, ठीक है। फिर आता है पर्सन, फिर आता है इनकम, फिर आ जाता है इंडिया, फिर आ जाता है ठीक इंडिया, यस सर, इंडिया, ठीक है। फिर आ जाता है, फिर आ जाता है असेसमेंट ईयर, बताते हैं सर, सब बताते हैं, असेसमेंट ईयर। फिर आ जाता है प्रीवियस ईयर, है तो वही है जिसमें हो रहा है ना, जिसको कैलकुलेट कर रहे हैं जिस साल कैलकुलेट करते हैं। वही सब कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, और और प्रीवियस ईयर प्रीवियस माने से स्टार्ट हुआ तेईस जैसे मानो हम लोग जब एग्जाम में बैठेंगे तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? 23-24, ठीक है। और तब असेसमेंट ईयर चलेगा 24-25। चलिए इसका सिंपल मतलब समझो, प्रीवियस ईयर में कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में गवाते हैं। माने प्रीवियस ईयर में हम इनकम करते हैं और असेसमेंट ईयर में गवर्नमेंट के घर में टैक्स लाइबिलिटी देना पड़ता है। तो जिस साल टैक्स लाइबिलिटी देना है, टैक्स देना है, वो उस साल में असेसमेंट होगा कि भाई ये बंदा लास्ट ईयर कितना कमाया है, रिटर्न फाइलिंग किया है कि नहीं है, तो रिटर्न फाइल करो, इसका इनकम टैक्स कैलकुलेट करो, चार्टर्ड का साइन हो तो चार्टर्ड का साइन करवाओ, सीएसीए में क्या करेगा उसको प्रिपेयर करेगा, फिर गवर्नमेंट के घर में सबमिट करेगा, सबमिट करके ऑडिट करवाना है तो सीए के पास ऑडिट करवाना है, फिर गवर्नमेंट को पता लगेगा। तो वही चीज़ है असेसमेंट। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से असेसिंग ऑफिसर होते हैं, यहाँ पर लिखा ना असेसिंग ऑफिसर लिखा है क्या, ठीक है। अभी जरूरी नहीं है, असेसिंग ऑफिसर होते हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से होते हैं, वो पूरा चीज को देखेगा। अगर डाउट होगा तो फिर नोटिस भेजेगा आपको, ठीक है। अगर बड़ा सारा केस होगा तो शायद घर पर रेड ही ना मर। हाँ हाँ, बड़ा केस में मैं तो रिसेंटली लक्स के घर में पड़ा, लक्स इंटरनेशनल है ना सर? अरे लक्स नहीं जानते, लक्स लक्स, हाँ, साबुन बनियान, कोलकाता का बहुत बड़ा कंपनी है, पूरा ऑल ओवर इंडिया बिजनेस है इनका, सॉल्ट लेक में घर है। हाँ, लक्स में रेट पड़ा था, उनके भाई 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 के बीच में झगड़ा भी चल रहा है और प्रॉपर्टी को लेके कुछ इश्यूज हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मानना है कि इन लोग टैक्स छुपा रहे हैं, तो रेट पड़ा था और लक्स का शेयर गिर गया था। पकड़ेगा हाँ नहीं, कुछ ज्यादा माने अगर कुछ पकड़ भी गया है तो न्यूज नहीं आई। ये होता है रेट मारता है हाँ, पता वो अंदर का भी कुछ बातें होते हैं सर, है करते ठीक है। लेकिन सर एकदम देखो, बिना बेस का तो रेड मारे भी नहीं सकता, ये भी तो समझना है ना। अगर मानो कोई किसी का कुछ गुनाह नहीं है तो वो चुपचाप सह लेगा, वो केस नहीं करेगा। मानो कोई आके तुम पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मानो अगर घोटाला, तुम अगर मानना चाहते हो कि डिपार्टमेंट का लोग अपना पोजीशन का फायदा लेके आपको डराना चाहते हो, तो कोई आके तुमको अगर बोल दे भाई तुम्हारा 10 करोड़ का टैक्स है, तुम दे नहीं रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैं ऑफिसर हूँ, मैं तुमको डरा रहा हूँ, ऐसा करके मैं डरा सकता हूँ क्या? तुम्हारे पास कोर्ट नहीं है। कोई अगर बोलेगा भाई 5 करोड़ का पेनल्टी देना है, क्यों पेनल्टी देना है? तुम कोर्ट में जाओ, केस करो, पेंडिंग रहेगा, इतना आसान नहीं है। सरकारी ऑफिसर पे तो दबाव रहते हैं, अगर वो बाद में गलत साबित हो जाए ना कोर्ट में, तो गया गया वो, पूरा जिंदगी खत्म हो जाएगा उसका। हाँ, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट ले लेगा तो छोड़ो, उसका जेल भी हो सकता है।
गया मैंने जैसे मानो पुलिस किसी को भी अगर उठा के लेके जाते हैं और उसको कोर्ट में पेश करना होता है, अगर तुम ज्यादा दिन तक उसको कस्टडी में नहीं रख सकते, 5 दिन 7 दिन, 1 महीना जोर से जोर रख दिए, फिर तुम उसको कोर्ट में जब तक पेश नहीं करोगे ना, देख इसको क्यों, मतलब उसको पकड़ के क्यों रखे हो? अगर कोई ठोस प्रमाण तुम्हारे पास नहीं है ना, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। फिर कोर्ट तारीख देता है कि इतने दिन के अंदर प्रूफ लाओ, नहीं तो इनको छोड़। इतना आसान थोड़ी है इसको। तो जो जेल में पिटाई करके बयान दिया जाता है वो भी वैलिड नहीं है कोर्ट में, तो हाँ, नहीं कर सकते नहीं कर सकते, धमका क्योंकि पुलिस ज्यादा धक्का भी मार करते हैं, के धमका धमकी नहीं चलता है। इसलिए पुलिस को भी डर होता है कि किसी को भी उठा के नहीं लेके जा सकते, क्योंकि उठा के लेके जाएगा तो खाना खिलाना पड़ेगा सरकारी खर्चे में, ये मार तो नहीं सकते, क्योंकि जेल के अंदर मर जाएगा तो फिर बवाल हो जाएगा, फिर वो फंस जाएगा। इसलिए जब कोई सटीक प्रमाण ना हो, ठीक है, जैसे पुलिस का भी तो रहता है ना अपना टारगेट रहता है, उनका टारगेट ये होता है कि अगर मैं बड़ा केस सॉल्व करूंगा तो मेरा प्रोमोशन होगा। समझ रहे हो? माना तुमको कहीं पर इंटीरियर में तुमको ट्रांसफर करके रखा है, तुम वहां से मेन शहर के आसपास आना चाहते हो, क्योंकि बीवी को मन नहीं लगता है, बच्चे लोगों का पढ़ाई लिखाई ठीक स्कूल में नहीं हो पा रहा है, तो तुमको भी प्रोमोशन का लगा रहता है। तो तुम अगर कुछ अच्छा काम करोगे तो अच्छा क्रिमिनल पकड़ोगे तो तुम्हारा प्रोमोशन कर देगा, तो उनका भी अपना टारगेट चलता है। ऐसे बहुत सारे केसेस है। चलो छोड़ो। अच्छा, तो असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ठीक है, जैसे अभी चल रहा है, अभी जब हम लोग अभी तो चल रहे हैं 22-23-24, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी दिसंबर में, लेकिन ये जब हम लोग एग्जाम में बैठेंगे तब ये चेंज हो जाएगा, तब प्रीवियस ईयर हो जाएगा 23-24 और असेसमेंट ईयर हो जाएगा 24-25, जो कि इसका भी मैं आपको डेफिनेशन लिखाऊंगा आगे आगे। नॉर्मली अगर समझो तो ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल ऑफ एनी ईयर और खत्म होता है 31 मार्च ऑफ एनी ईयर, ठीक है, लेकिन इसका डेफिनेशन डिटेल्स में आगे और बात करेंगे, ये तो बस शुरुआत है। फिर आप और लिखो एग्रीकल्चरल इनकम, नॉर्मली ना अगर कोई तुमको पूछता है क्या एग्री इनकम पे टैक्स है, तो तुम्हारा सिंपल जवाब होगा ना, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, नॉर्मल जवाब है ना, लेकिन एबनॉर्मल जवाब है हाँ, अच्छा उसके लिए आगे पढ़ने पड़ेंगे सर। एग्रीकल्चर इनकम पे 2 क्लास लगता है, सिर्फ एग्री इनकम को समझने के लिए और उसका कैलकुलेशन को जानने के लिए। हाँ यस सर, इन सिंपल रूल है सर, इसको एक रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन बोलते हैं। नॉर्मली अगर तुम्हारा इनकम 2.5 लाख से नीचे है ओवरऑल, ठीक है, और अगर तुम्हारा इनकम 2.5 लाख से नीचे है और तुम एग्रीकल्चर से 5,000 भी कमाते हो, तो तुमको एग्रीकल्चर में कोई टैक्स नहीं देना है। और अगर तुम्हारा इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, मैंने बेसिक लिमिट से ज्यादा है, अभी 2.5 लाख को 3 लाख हो गया है न्यू न्यू स्कीम में, तो अगर तुम्हारा बेसिक लिमिट 3 लाख क्रॉस कर जाता है और तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम भी 5,000 से ज्यादा है, तो रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन आता है, तो एग्रीकल्चर इनकम थोड़ा बहुत टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है, वो तब अमीर एक हो गया सर, अमीर खेती बाड़ी लोग वाला, और गरीब में टैक्स नॉर्मल, तो नॉर्मली पूछे तो एग्रीकल्चर नॉन टैक्सेबल, इन सिंपल एग्रीकल्चर इनकम नॉन टैक्सेबल है, बट कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस होते हैं, उस सिचुएशंस में एग्रीकल्चर में टैक्स देना पड़ता है, आगे बात करेंगे सर, ये एक अलग चैप्टर है और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, हर बात इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट को हम लोग अनइम्पॉर्टेंट नहीं समझ सकते। एक्सेप्ट 10 सबसेक्शन 1 ऐसे भी जरूरी नहीं था सेक्शन देखना, बट तुमने पूछा तो मैं बताया। आगे आगे, याद कैसे हाँ, आपको इतने सेक्शन सारे याद मुझे रहते सारा ऐसे हमेशा याद नहीं रहता है, बट कभी कभी याद आ जाता है, इसे पढ़ा पढ़ा के आदत हो जाता है भाई, सिंपल बात है, हैं? लेकिन फिर भी मैं उतना दिमाग को लोड नहीं देता, मेरा काम है समझाना, उतना लोड दूंगा तो पागल हो जाऊंगा। लोड आप लोग लो, हम लोग लोड लेने के टाइम पे ले चुके हैं, अभी आप लोगों को लोड लेना है। डिग्री डिग्री का क्या है सर, बस जिस काम के लिए भगवान भेजा है ना, बस उस काम को प्यार से कर ले जिंदगी, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्या है ना, भगवान हम लोगों को ड्यूटी देता है, ठीक है, हम जैसे मानते हो, भगवान मानो अल्लाह मानो, जो हमें ड्यूटी के लिए सौंपा है, जो ड्यूटी दिया है तुमको समझ में आ रहा है कि मेरा ड्यूटी है, जैसे मेरा को भी टीचर बनाया, बल्कि मेरे को तो कभी बनना ही नहीं था एक्चुअली, मैं कभी नहीं सोचा था मैं पढ़ाऊंगा, तो बट भगवान मेरे को कहीं ना कहीं इधर, मैंने मेरे को समझाया, चल पढ़ा तू, पढ़ा सकता है,
मैं चालू किया, तभी मैं ड्यूटी लिया ना, तो मैं मानता हूँ कि ये मेरे को ऊपर वाला ने काम दिया, अब इस काम को मैं अच्छे से निभा पाऊँ, यही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव। अब तुम स्टूडेंट हो ठीक है, तो तुमको एज ए स्टूडेंट अपना पढ़ाई ठीक से करना, अगर तुम इसको ठीक से अभी नहीं करोगे तो बाद में तुम फंसोगे, तब इतना जोर का फंसोगे सिर्फ अफसोस रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जब तुम्हें जो काम मिल रहा है उस काम को अच्छे से निभाने का कोशिश करो, देखना जिंदगी आपको एक क्या हजारों डिग्री में भर देगी। ठीक है, डिग्री सीरियसली, डिग्री सेकेंडरी थी, ड्यूटी निभाना प्राइमरी चीज। ड्यूटी करते रहो अपना, डिग्री मिलता रहेगा, ना भी मिले तो भी चलेगा, लेकिन तुम कभी पीछे नहीं देखोगे, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, लिख के रख लो सर, बस अपना ड्यूटी निभाओ। जैसे संस्कृत में एक बड़ा सुंदर सा श्लोक है, कहते हैं छात्र नंग अध्यानंग तप, छात्र नंग अध्यानंग तप। छात्र का काम क्या है? अध्ययन कर, अध्ययन माने पढ़ाई कर, वही उनका तपस्या है। तपस्या माने मेडिटेशन, माने बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, माने किसी भी चीज को कंसंट्रेशन के साथ करते रहे, तो ये छात्र का काम है। और जो छात्र ये नहीं करते पढ़ाई करने के टाइम, वो आगे जाके पछताएगा। और क्या, इसलिए तुम डिग्री को मत सोचो, तुम अपने ड्यूटी को सोचो। रिसेंटली एमएस धोनी का एक बहुत सुंदर सा एक वीडियो वायरल हुआ था, किसी एक धोनी को तो जानते हो आप लोग, तो किसी एक शो में चेन्नई में मोस्ट प्रोबली पूछा गया था, और मैंने पूछ रहे हैं कि आप इतना सक्सेसफुल कैप्टन कैसे रहे, आप क्या पहले से ही समझ जाते थे कि हम लोग ऐसे करके जीतेंगे ऐसे करके जीतेंगे? तो फिर धोनी बोलते हैं कि ये अच्छी बात है कि आप मेरा सक्सेस याद रखे, बट मेरा फेलियर भी तो बहुत सारे हैं। 2019 देख लो, इंडिया वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हार के आ गया, धोनी लास्ट में वही था, रो रो के वापस आया। ये अच्छा बात है कि आप लोग मेरा सक्सेस को याद रखे हो, क्योंकि मैंने शायद ज्यादा किया सक्सेस कंपेयर टू फेलियर। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे कि सक्सेस और फेलियरिटी का डिफरेंस क्या है, या फिर मेन बात क्या है, ये कैप्टन कूल है कि नहीं, आई डोंट नो। जैसे धोनी को लोग बोलते हैं ना कैप्टन कूल, तो वो अलग बात है, बट धोनी एक बहुत चीज अच्छा बोला कि सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रोसेस। आप जो काम करते हो उसका एक प्रोसेस है, अब प्रोसेस पे ध्यान दो, रिजल्ट क्या आएगा बिल्कुल उस पर फोकस मत करो। जैसे 2007 में इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता था, तुम लोग तब छोटे थे शायद, देख ठीक है, मुझे तो पूरा याद है, मैं कॉलेज में था उस टाइम पे। 2007 में जब इंडिया वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप धोनी के अंडरशिप में ले रहा था, तो लास्ट ओवर में बॉल दिया था जोगिंदर शर्मा बोल के बॉलर था चंडीगढ़ का, ठीक है, तो अभी पुलिस में है हरियाणा में, अभी हरियाणा में पुलिस में है। उसके बाद अब कभी क्रिकेट में उतना कुछ खास कर नहीं पाया, पंजाब के लिए थोड़ा बहुत खेला है, लेकिन पंजाब या हरियाणा के लिए किसी के लिए खेला है, बट सक्सेसफुल और कुछ नहीं, बट वो एक मैच उसको जिंदगी भर लोग याद रखते। अब धोनी को पूछते हैं कि क्या तुम तो कोई प्लान था क्या इसके, तो धोनी बोलते ये तो मेरा प्लान था ही नहीं, मैं तो सोचा था हरभजन सिंह को बॉल दूंगा। हरभजन बोलता है कि मिसबाह-उल-हक जो था वो बेसिकली हरभजन को उससे पहले बहुत मार मारा है पाकिस्तान का सही जो, बात ठीक है, ऑफ स्पिनर लैंड ओवर भी नहीं आ सकता है, उधर। तो हरभजन बोला कि मिसबाह मेरे को बहुत छक्का लगाया है, मैं नहीं जाऊंगा, डर का बात नहीं है ये कैलकुलेशन का बात है। हरभजन पूरा कैलकुलेट कर लिया था कि मैं जाऊंगा तो ये छक्का मेरे को मारेगा ही मारेगा और इंडिया हारेगा। तो धोनी को हरभजन ने बोला तू एक काम कर, तू जोगिंदर को दे, क्योंकि जोगिंदर क्या डालेगा डेथ ओवर में किसी को आइडिया नहीं है, क्योंकि वो नया प्लेयर है, उसके स्किल के बारे में नॉलेज नहीं है। तू एक काम कर, तू आशीष नेहरा भी था टीम पे, तो आशीष नेहरा हरभजन सिंह ये दोनों मिलके डिसीजन लिया, हाँ धोनी को बस सजेशन दिया, लेकिन धोनी के दिमाग में ये बात क्लिक किया और वो चुपचाप जाके बॉल जोगिंदर को दे दी, और बाकी पाकिस्तान अल्टीमेटली मैच जीत नहीं पाया और फिर ये हुआ। ठीक है, तो ये जो देखते हैं ना, तो धोनी यही बोलता है कि जस्ट थिंक अबाउट द प्रोसेस। ये बात देखो, मैं बोलूंगा तो शायद आप बोलोगे इतनी बड़ी बात नहीं है सर, आप तो ज्ञान देने के लिए दे देते हो, धोनी बोल रहे कम से कम सुन लो। ठीक है, कम से कम धोनी का बात सुन लो कि धोनी क्या कहना चाहते हैं, कि प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, ये बात सबको समझना चाहिए। ये डिग्री सक्सेस सब आएगा, बट अगर प्रोसेस के बिना करोगे तो कभी नहीं है। वो बैठे बैठे ख्याली पुलाव बना सकते, कॉपी में लिखते लिखते कहाँ खो जाओगे, कहाँ खो गए फिर पता नहीं, आजा इधर आजा। प्रोसेस, प्लीज मेरा बात मानो सर, प्रोसेस को ध्यान दो, देखना सर
जो चाहते हो वो पाएगा, वो पाओगे सर। अच्छा तो लास्ट वाला पैरा लिखो सर। तो ये अच्छा, ये जो मैं आपको भी लिखाया एसएससी के बारे में, असेसमेंट के बारे में, ये सब क्या है सर? ये सब और कुछ भी नहीं है, हमें ये सब जानना है, ये सभी डेफिनेशंस पे हमें ग्रिप चाहिए। इनकम टैक्स सीखेंगे और एसएससी क्या है, असेसमेंट क्या है, पर्सन कौन है, इनकम क्या है, इंडिया क्या है। सर इंडिया क्या है बताते हैं, अभी बताते हैं, अभी बताऊंगा मैं आपको, इंडिया बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सर इंडिया को जानना। इसलिए मैं हमेशा बोलते रहता हूँ ना, देश को जानो, देश को जानो। क्यों बोलते रहते हैं? क्योंकि ये जो आप लोगों ने पढ़ाई है, ये आपको बोलते हैं कि देश को जानो, पर यहाँ पर इंडिया को जानने का मतलब हम लोग आजादी का बात थोड़ी करेंगे, इंडिया ऐसे इंडिपेंडेंट हुआ था, नहीं, ये देश का बॉर्डर का मैटर है, देश का टैक्स का जोन का मैटर। आपको टैक्स जोन समझना है, टैक्स जोन समझ जाओगे तो समझोगे कि देश का क्या रूल नियम है, ठीक है, एज पर द टैक्सेशन सिस्टम इंडिया के जाओगे। फिर असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर में आपको और ग्रिप लेना है, एग्रीकल्चर इनकम के बारे में भी जानना है। अच्छा अब लास्ट एक पैरा है, इसमें लिख लो, बेसिस ऑफ चार्ज एंड रेट्स ऑफ टैक्सेस। बेसिस ऑफ चार्ज एंड रेट्स ऑफ टैक्सेस सर, एक्चुअली इसमें दो काम चीज काम करता है। एक है सर चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स का मतलब क्या है? चार्ज ऑफ इनकम टैक्स का क्या मतलब है? चार्ज ऑफ इनकम टैक्स का मतलब होता है कि किसी इनकम पे टैक्स लगाया जाए कि नहीं। चार्ज, चार्ज का मतलब होता है जब कंपल्सरी नहीं हो, ध्यान से बात को सुनना, जब कंपल्सरीली किसी से कोई चीज लिया जाता है उसे चार्ज कहते हैं। जैसे फुटबॉल में एक लैंग्वेज यूज करते हैं, जो लोग फुटबॉल थोड़ा बहुत भी जानते हो, फुटबॉल में नॉर्मली हम लोग इसमें देखते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं चार्ज लेने। मैं समझाता हूँ आपको कब होता है। फुटबॉल में पेनल्टी होता है ना सर, पेनल्टी या फाउल बोलते हैं, फाउल, फाउल समझते हो? हाँ, मानो कि कोई किसी को धक्का मार दिया, इलीगल मूव। इलीगल मूव कर दिया, या फिर मानो इसमें होता है तो फाउल हो गया। तो जब फाउल होता है फिर कुछ प्लेयर आके जब वो बोलते हैं फ्री किक मारना, फ्री किक मारना, तो फ्री किक मारने के टाइम पे देखना कुछ प्लेयर सामने आके खड़े हो जाते हैं। हाँ सर, और वाल बनता है ना, तो जो ये वाल बना के वो लोग रहते हैं वो चार्ज लेते हैं किसी, भी तुम मारो हम खा लेंगे, ठीक है। वो अलग बात है कि वो लोग अलग टेक्निक में हम लोग देखते हैं खेलते हैं, लेकिन नॉर्मल अगर लोकल पड़ा के मैच में देखोगे ना, चार ठीक है, तो वो बोलेगा कि तुम फाउल है, हाँ, मीटर लगा वो बोलेगा हम चार्ज लेंगे, ठीक पांच स्टेप गिनेगा फिर खड़ा रहेगा। है, वो खड़ा हो जाएगा ऐसे। लोकल मार्केट में देख, लोकल जो काउंट में खेलते हैं, आता है सर मेरे को फुटबॉल भी खेलना आता है, मैं स्किलफुल नहीं है मेरे फुटबॉल में, बट आई नो हाउ टू, हाउ गेम चलता कैसे। तो वो चार्ज क्या हो गया, कंपल्सरी है, वो मारेगा, ठीक है। पुलिस किसी को पकड़ के रास्ते में हेलमेट नहीं पहना, ए पैसा दे, ऐसे पैसा नहीं दे ले सकता वो, बेसिकली पैसा तो इलीगल हो गया, वो चालान काट सकता है, क्या केस देता है ना कि तुमको केस भरना है सरकारी वेबसाइट में जाके। तो ये जो पुलिस करती है कंपलसरी कर रहा है ना, तो ये चार्ज करता है, ये जो चार्ज का मतलब है ये। तो यहाँ पर इनकम टैक्स में भी चार्ज का मतलब है कि किस इनकम पे टैक्स लिया जाए और किस इनकम पे नहीं, इसे चार्ज ऑफ इनकम टैक्स कहते हैं। बात समझी कि नहीं? हाँ, दूसरा एक पॉइंट और जानना है, रेट्स ऑफ इनकम। सोनिका, प्रिया, शालिनी, बोलो सर, समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? अरे बुझते पार्चिस की पार्चिस ना। ओके सर, एकदम बेसिक बात कर रहा हूँ सर, कोई बड़ा चढ़ा बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ जो दिमाग के ऊपर चले जाए, मैं एकदम बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूँ। जो कभी जिंदगी में इनकम टैक्स नहीं पढ़ा उन्हें भी समझ में आना चाहिए, ठीक है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है वो भी समझ जाएगा, नहीं समझेगा, हर किसी को समझ में आ जाएगा सर, ऐसा बात ही मैं करने का कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा नहीं नहीं, अभी कहाँ, क्यों? यार चार्ट खत्म हो गया। हाँ चार्ट तो खत्म हो गया, अब काम और भी बाकी है सर। सर ये हो गया
इनकम टैक्स का बेसिक एक रफ आइडिया। अब हमें कुछ ये सभी चीजों के बारे में डिटेल्स में नॉलेज करें, ठीक है। ये जितना मैंने चीज लिखा, जिस दिन आप ये सभी पॉइंट के ऊपर ग्रिप ले लोगे, आप समझ जाना। जैसे फर्स्ट पॉइंट में इतना कुछ जानने वाला नहीं है, इसमें सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही आप लोगों का मेन फोकस एरिया है। बाकी फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल, सर्कुलर नोटिफिकेशन, लीगल डिसीजंस, ये बाद में काम आएगा, फाइनल लेवल में जब आओगे काम आएगा। बाकी जो दो पैरा में, तीन पैरा में जो चीज है, ये पूरा आपको पढ़ना है, एक एक चीजों के ऊपर, समझ रहे सर? ये बाकी चीज समझ जाओगे तो आप जान लेना कि आपको इनकम टैक्स पूरा ग्रीप हो गया। मैंने एक एक वर्ड आपका इनकम टैक्स का नॉलेज का बेस बने। अब चलो थोड़ा समझने का कोशिश करते, ठीक है। जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स, देख पा रहे हो सर? चलो फटाफट थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स, टैक्स क्या है? आर्टिकल 366 सबसेक्शन 28, सर ये कहां से आ गया? सर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोला है। ये जो टैक्स बढ़ रहे हैं, टैक्स के बारे में संविधान अगर बात नहीं करता तो शायद टैक्स होता ही नहीं ना, देश चलाने के लिए। ये इंडिपेंडेंस टाइम पे बना, हाँ सर, जब संविधान बना, जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने देश का संविधान को बनाया, उस टाइम ये आर्टिकल बनाया गया। ये संविधान के अलग क्लास होता है, मेरा सीएस लोगों का पढ़ना पड़ता है, एवरी मंडे पढ़ाता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, तो वहां पर आर्टिकल के बारे में भी ज्ञान मिलता है। छोड़ो, इतना जरूरी नहीं है, अभी इतना जानना जरूरी है कि संविधान में लिखा है आर्टिकल 366 सबसेक्शन 28 में कि टैक्सेशन वर्ड के बारे में वहां पर बोला है कि देश कैसे चलेगा, टैक्स से चलेगा। एक इतिहास बता सकता हूँ आपको छोटा सा, सुभाष बोस जानते हो ना, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष बोस एक्चुअली 47 में जो इंडिया बना है ना सर, उससे पहले इंडिया को आजाद कर दिया था, 1944 में इंडिया आजाद हो गया था। इवन उसका फ्लैग, उसका कॉन्स्टिट्यूशन सब बन गया था, बट कांग्रेस साथ नहीं थी, कांग्रेस साथ ही नहीं दिया। महात्मा गांधी, नेहरू, ठीक है, और ये मुस्लिम लीग का अपना जो जिन्ना, जिसने बाद में पाकिस्तान बनाया, ये लोग साथ ही नहीं, ये लोग मिली भगत करके सुभाष बोस को हेल्प ही नहीं किया। सुभाष बोस, भगत सिंह, भगत सिंह थोड़ा देर काम करने को मौका मिला था सुभाष बोस के साथ, थोड़ा कुछ दिनों के लिए। भगत सिंह तो पहले ही चला गया था, सुभाष बोस कोशिश किया था भगत सिंह को रोकने के लिए, बट गांधी के ऊपर पूरा पावर था, गांधी कुछ नहीं किया, कुछ उसका पावर चला जाएगा। गांधी तो ऐसे भी बोला भगत सिंह के बारे में कि ये लोग आतंकवाद फैला रहा है, हम लोग तो बात कर रहे हैं आतंकवाद, भगत सिंह को आतंकवाद बोला। मैंने ऐसा ऐसा लोग मैंने देश को बनाया ना, बोलने में खराब लगता है बट दैट इज ट्रू, इतिहास गवाह है, इसलिए हमें उसको मानना नहीं पड़ता, नहीं बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है, बोलना भी नहीं चाहिए ना। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सुभाष बोस, जब गवर्नमेंट बना दिया था, सुभाष बोस रशिया गया था, जर्मन भी गया था, हाँ, हिटलर, हिटलर के साथ ये किया था, संधि किया था। हिटलर जब उसको पूछ रहे हैं कि भाई देश चलेगा, देश चलाने के लिए, तो एक्चुअली सुभाष बोस हिटलर को ये बता रहा था, जर्मन का जो किंग था, मैंने बेसिकली हेड, फ्यूरो बोलते हैं जर्मन में, तो फ्यूरो को बोल रहे कि हमें इंडिया को आजाद करने के लिए हेल्प करो, क्योंकि जर्मन के साथ ऐसे ही ब्रिटेन का पटता नहीं है, तो आप मुझे हेल्प करो, बदले में एक्चुअली जर्मन नहीं चाहता था कि ब्रिटिश का जो फैल रहा था वो फैले, तो सुभाष बोस इसी को जियो पोलिटिकल इस प्रॉब्लम को ही यूज करना चाहता, उसका दिमाग अलग ही लेवल में चलता है। जापान में बात नहीं, एक्चुअली चाह रहा था रशिया का हेल्प, बट रशिया हेल्प नहीं कर पा, तब वो जर्मनी के पास थे, फिर जर्मनी में तब हिटलर था, और उस टाइम पे हिटलर भी हेल्प करने के लिए रेडी था, लेकिन रशिया ने जर्मन पे अटैक कर दिया, रशिया ने जर्मन पे अटैक कर दिया, और हिटलर बेसिकली उसी में सुसाइड कर लिया। मिस्ट्री नहीं, एक्चुअली हिटलर देख इतना बड़ा पावरफुल नेता, वो कभी भी अपने आप को किसी के हाथ में मरना पसंद नहीं करेगा, इसलिए खुद ही मर गया, वो अंडरग्राउंड में जहाँ रहता था वहां पर कोई पहुंच नहीं पाया। बेसिकली इसका मतलब और क्या, कभी तो बाहर निकल के आया नहीं, अंदर ही हो गया खत्म। तो सुभाष बोस ने हिटलर से बोला था कि हमें फौज दो, तो बोले कहाँ से मिलेगा फौज, तो बोलते चलो आप जर्मन का हेल्प नहीं दे सकते, कम से कम जो लोगों को आप पकड़ के रखे, जो ब्रिटिश के लिए इंडियंस मैंने भारतीय, जो ब्रिटिश के फेवर में
इंडिया के लिए जंग लड़ने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप लोग अटैक किए हो, अब उन्हें छोड़ दो, उनको लेके हम जाएंगे यहां से, हमें एक जहाज दे दो बस। तो फिर बाद में जैसे ही रशिया ने अटैक कर दिया, फिर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर और एक बार छेड़ गया, तो बोला जहाज वगैरह कुछ नहीं दे सकते, बस आपको जाने के लिए एक सबमरीन में बंदोबस्त कर सकते ताकि आप अपने देश के लिए कुछ कर सको। और फिर उसमें ये पूछा गया था कि देश कैसे चलेगा, बोला संविधान बनेगा। फिर सुभाष बोस ने इंडिया में बड़े बड़े नेताओं को सजेशन दिया था, नेहरू को, बाकी लोगों को, ऐसे वो सबसे पावरफुल था, नेताजी गांधी को हराया था, लेकिन वो गांधी को सम्मान करता था, लेकिन गांधी उस रेस्पेक्ट का दाम ही नहीं रखा। सुभाष बोस ने बोला था कि देश को आजाद करने के बाद ऐसा संविधान बनाओ पहला 10-20 साल, क्योंकि कंट्री ऐसे ही थोड़ा सा मरा हुआ है, बहुत ज्यादा कंट्री का स्पाइनल कॉर्ड टूट चुका है, ऐसे हालत में डेमोक्रेटिक राइट मत दो। बात को समझे, डेमोक्रेटिक राइट अगर आप एक बिना स्पाइनल का इरेशनल इलिटरेट से भरा हुआ गरीबी से भरा हुआ लोगों को तुम डेमोक्रेटिक राइट दोगे तो फिर वो क्या समझेगा डेमोक्रेसी का, माने ऐसा फ्रीडम का क्या मतलब है। तो वो बोला था कि पहला 10 साल एक स्ट्रिक्ट सोशल रूल बन, सोशल रूल जो चाइना में जैसे चलता है, तो पहला 20 साल तक एज पर दी नीट, पहला 10 साल 5-5 साल का टाइम पीरियड बनाओ और एक सोशल पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में रखो और लोगों को पहले एडुकेट करो, शिक्षा दो, ये सब चीजों में लोगों को पहले ठीक करो, उसके बाद धीरे 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 डेमोक्रेसी ला। लेकिन ये लोग बात सुना ही नहीं, एक भी बात नहीं सुना। ये जो आज जो हमारे देश में जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम का जड़ क्या है, ठीक है, ठीक है, ये अगर सुभाष बोस का वो बात ये लोग मान लेता, ठीक है, तो फिर आज ये दिन देखना ना पड़ता। और सुभाष बोस से बस सपोर्ट करना था, अंडमान निकोबार भी तो पहले ही झंडा फहरा दिया था, नागालैंड कोई में पूरा का पूरा कब्जा हो चुका था, बस कांग्रेस इधर से थोड़ा हेल्प कर देता, कुछ नहीं, अंदर से बस गांधी जी बोलता कि सुभाष को हेल्प करो, बात खत्म। नहीं करता सर, वो बड़ा कैसे पता, आदत कैसे होता सर, बस इतना सा काम था, देश के लिए इतना भी नहीं कर पाया, मैंने ये प्रॉब्लम है सर। तो मैं कहना क्या चाह रहा था, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात क्यों लिखा, अब देश चलाने के लिए टैक्स चाहिए, तभी से ये टैक्सेशन सिस्टम क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर रहा था। तो तभी अम्बेडकर और बाकी जो भी एक्सपर्ट्स थे सब मिलजुल के ये चीज बना, और फिर 1961 में जाके ये टैक्स सिस्टम बना। थोड़ा इतिहास आपको मैं बोला ताकि आप समझ लो, बट बहुत चीज हो नहीं पाया सर, एज पर दी नीड हो नहीं पा, क्योंकि वही सिंक नहीं हुआ ना, ठीक है। इवन नेहरू तो गांधी को भी नहीं माना, नेहरू तो अपना गति के पीछे भागा, जिन्ना तो सुना ही नहीं बात, अपना देश ही बना लिया, ठीक है। चलो इतिहास को जानना इसलिए थोड़ा थोड़ा जरूरी है, ज्यादा ना भी जानो तो चलेगा। तो टैक्सेशन इंक्लूड द इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स और इम्पोस्ट वेदर जनरल और लोकल, स्पेशल एंड टैक्स शैल बी कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंगली, माने चाहे लोकल टैक्स हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स हो, बट ये इसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन किया जाता है। टैक्सेस आर कंसीडर्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी, टैक्सेस आर कंसीडर्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी, माने सिंपल बात है, इसको ऐसे भी बोलो कि जिस देश का खाते हैं उस देश को कुछ देना पड़ता है, क्योंकि यही मिट्टी हमें पालन पोषण करता है। तो जिस धरती माँ हमें पालन पोषण करते हैं, बदले में उनको कुछ तो देना पड़ेगा, नहीं तो आगे का जनरेशन कैसे चलेगा, देश का ग्रोथ कैसे हो, बात समझ रहे सर। तो इसीलिए इस कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी, मतलब समाज में जीने के लिए आपको टैक्स लगेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। टैक्सेस आर डिवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि आपको पहले ही दिखाया कि कहां कहां खर्चा करता है नहीं करता है, पहले ही दिखा दिया, प्रैक्टिकल गवर्नमेंट बजट भी दिखा दिया। So there are two types of taxes. Normally दो तरह का taxes होते हैं, एक direct tax होता है, एक indirect taxes होता है। Direct में mainly income tax ही बच गया सर आज के rate में, पहले एक wealth tax भी होता था direct tax के अंदर, वो अभी abolish हो चुका है, मैंने संपत्ति के ऊपर सरकार के घर में टैक्स देना पड़ता था, वो अभी नहीं। तो डायरेक्ट टैक्सेशन में सिर्फ एक ही टैक्स रह गया जो है इनकम टैक्स, तो इट इज लिवाइड डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ ए पर्सन, देन इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। The person who pays the tax to the government cannot recover it from somebody else. मैंने जो टैक्स बेसिकली आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, ठीक है, वो ये टैक्स आप किसी और से
नहीं ले सकते, ये जीएसटी में ये जीएसटी में होता है, ये बात हम लोग जीएसटी क्लास में पहले दिन के क्लास में, टैक्स बर्डन, टैक्स बर्डन शिफ्ट होता है। जैसे होलसेलर रिटेलर पे लगाता है, रिटेलर कस्टमर पे लगाते हैं, वो टैक्स बर्डन शिफ्ट करता है, अल्टीमेटली कस्टमर पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो इनडायरेक्ट में होते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में ये सिस्टम नहीं है, मैंने गवर्नमेंट आपसे जो टैक्स मांग रहा है वो आप अपनी पॉकेट से डायरेक्टली दोगे, आप ये बांटे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि मेरे को टैक्स मांग रहा है, ठीक है, मैं दर्ज को बोल रहा हूँ दर्ज तुमको ये टैक्स हमको देना पड़ेगा, फिर मैं उसको सरकार को दूंगा, ऐसा कोई भी सिस्टम इधर नहीं चलता, बार्डन शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, दैट इज द रीजन इसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब इसका भी जवाब मिला ना आपको कि इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं, काफी लोग डायरेक्ट टैक्स डीटी डीटी चिल्लाते रहते हैं, अरे भाई क्या डीटी क्या है, डीटी क्यों बोलते हैं, डीटी इसलिए बोलते क्योंकि आप अपना टैक्स का बर्डन किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते, द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इफ टैक्स इज लेवर्ड ऑन प्राइस ऑफ गुड और सर्विस देन इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, फॉर एग्जांपल जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स द पर्सन पेइंग द टैक्स पासेस ऑन द इंसिडेंस टू अनदर पर्सन, जैसे आपको पहले ही बताया ये जीएसटी क्लास में डिस्कशन हो चुका है रिसेंटली, कि अगर मानो आप होलसेलर के पास कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो और होलसेलर कोई प्रोडक्ट मानो 100 रुपया में आपको बेचना है, ठीक है, तो 100 रुपये का मानो 18% मानो जीएसटी, ठीक है, तो 100 का 18% हो जाता है 18 टका। आप होलसेलर के पास आप प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो तो ये 18 टका होलसेलर आपको चार्ज करेंगे, आप कौन हो, आप रिटेलर हो, ठीक है, फिर ये रिटेलर ये 18 टका होलसेलर को देगा, फिर ये 18 टका होलसेलर गवर्नमेंट के घर में जमा, इससे पहले मैन्युफैक्चरर से पहले मैन्युफैक्चरर भी वो चार्ज करेगा, रिटेलर करेगा, फिर सारा बर्डन कस्टमर पे जाएगा। इसके लिए जीएसटी का पहला क्लास सुन लो, आपको काफी है, जो लोग जो नहीं किया उसके लिए, ठीक है, जो नहीं किया उनके लिए बोलो, ठीक है, तो ये होता है। तो जीएसटी में आपको ये बर्डन शिफ्टिंग दिखता है, ठीक है, और ये मैंने आपको रिसेंटली जीएसटी के इंट्रोडक्शन क्लास में बताया, ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इसीलिए उसको इनडायरेक्ट कहते हैं क्योंकि वहां पर आप अपना टैक्स बर्डन शिफ्ट करते हो अनदर पर्सन पे। एक क्वेश्चन बोलो, जैसे अभी 50-50 मार्क्स का है ना, पूरा 100 मार्क्स में टैक्स में पेपर है, तो क्या जरूरी है कि दोनों में पास करोगे ओवरऑल पास? नहीं नहीं, दोनों में पास करो, क्योंकि दोनों पेपर में अलग डिफरेंस करके रखते हैं। हां बट पेपर से, हां पेपर एक ही है बट फिर भी एक मिनिमम तीसरा पास है किसी में 45 है तो फेल कर, नहीं नहीं पहले ही बोल चुका हूँ मैं आपको, गवर्नमेंट इसलिए टैक्स लगाते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, रेवेन्यू जनरेशन, पहले दिखा दिया कि टैक्स गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है। सर पावर टू लेवी टैक्सेस, गवर्नमेंट के पास इतना पावर कहाँ से आता है? सर ये पावर गवर्नमेंट को कहाँ से मिलता है? सर कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। जैसे बोलते हैं काफी लोग, देखना जो लोग थोड़ा कम्युनिस्ट माइंड सेटअप के होते हैं, ठीक है, मैं आपको देखो, मैं फ्रेंकली बात करता हूँ, मेरे को सब पढ़ाने के टाइम पे मैं ना लुका छुपी नहीं करता, क्योंकि पढ़ाने के टाइम पे मैं सच बोलता हूँ, और जब सच बोलेंगे स्टूडेंट को तो सच बोलना चाहिए ना, तो उसमें मैं डरूंगा क्या? डरने का मैं कुछ गलत थोड़ी बोलूंगा। कम्युनिस्ट रिलीजियस पे बिलीव नहीं करते, कि कोई धर्म वगैरह में बिलीव नहीं करते, तो कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से देश का न्यू रिलीजियन, ठीक है, तो जब भी देखना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ाई चलता है, ठीक है, कम्युनिस्ट वाले बीच में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका वो कोई रिलीजियस पे पर्टिकुलरली बिलीव नहीं करते, तो कम्युनिस्ट का मानना है कि देश तो ना तो हिंदुओं के सिस्टम पे चलेगा, ना तो सिख के सिस्टम पे चलेगा, ना तो मुस्लिम के सिस्टम पे चलेगा, देश तो कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेगा। वो अपना सिस्टम, उनका कुछ सिस्टम ही नहीं है ना सर, तो वो बेसिकली जब उनको उनका एक ही लॉजिक है कॉन्स्टिट्यूशन। और मजा का बात क्या है जानते, वो बात कभी कम्युनिस्ट बोलते नहीं, ये जो देश का संविधान है ना ये रिलीजियस टेक्स्ट से ही बना है, ये जो सत्यमेव जयते, हमारे संविधान का जो सबसे बड़ा स्लोगन है सत्यमेव जयते, ये कहां से लिया गया? ट्रूथ हमेशा जीतता है,
ये कहाँ लिखा, धर्म की किताब में तो लिखा है, तो किसी भी धर्म की किताब को ओपन करके देख लो ये बात लिखा है। तो फिर अब संविधान कहाँ से बना है, संविधान इसी तरह से बना है। लेकिन वो लोग ना मैंने क्या अजय भी लोग है सर, मैं उनको समझा नहीं पाता। ठीक है, मैं कभी कभी बोलता हूँ जो भी थोड़ा कभी कभी मैं बोलता हूँ एक दिन एक काम करो संविधान लेके चलो आके बैठते हैं, थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगा, कुछ बातें संविधान में ऐसा है जो एक्सेप्टेबल थोड़ा थोड़ा केस में नहीं है, बट अगर आप ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन का अगर ओवरऑल रूप देखोगे ना, तो वो कोई रिलीजियस उसको मॉडर्न भाषा में मैंने वहां पर ना तो राम का नाम लिया गया, ना तो अल्लाह का नाम लिया गया, ना तो नानक का नाम लिया गया, किसी का नाम नहीं लिया गया। ठीक है, बस लोगों को कैसे क्या रहना है, क्या नियम है, ये नियम बोला गया, लेकिन अल्टीमेटली लोगों के वेलफेयर के लिए है ना, तो बस यही है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को न्यू रिलीजियस बुक भी बोलते हैं। ऐसे गवर्नमेंट आजकल एक अच्छा काम किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने के लिए हर एजुकेशन सिस्टम पे मैंडेटरी करें संविधान पढ़ना है। वो ऐसा नहीं कि किताब के पहले से इंट्रो रहता था ना सरकारी किताब में, अभी कॉन्स्टिट्यूशन बाकायदा पढ़ाया जाए। इसीलिए दिया है, गवर्नमेंट ने नियम बनाया तभी आप लोगों को दिया जाए। अरे बोरिंग क्या, मेरे बस पढ़ लेना, बोरिंग टूट जाएगा। मजा आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के क्लास में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 265 प्लेस डाउन दैट नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। सरकार का जो अथॉरिटी ऑफ लॉ है वो चार्ज नहीं कर सकता। तो अकॉर्डिंग फॉर लेवी ऑफ एनी टैक्स लॉ नीड्स टू बी फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स अस, ये सब याद रखने हैं, जो आर्टिकल 265, आर्टिकल 368 सबसेक्शन 22, ये सब रखना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मेरे को स्टोरी सुनाना है, इसके जगह मैं चार क्वेश्चन करा के आपको बोलता था चलो हो गया, लेकिन एग्जाम में पूछता है ये सब चीजें, पूछेगा ही। ठीक है, और एक नंबर कम है क्या, बंदा 49 लेके फेल हो जाते हैं। ठीक है, एक नंबर के लिए फेल नहीं होना है सब। ठीक है, ये सब एक, ये जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं अभी, आपको लग रहा है सर ये तो कोई मैथ्स ही हो नहीं रहा है, टैक्स पढ़ रहे लग नहीं रहा है, कोई बात नहीं सर, एग्जाम में जब नंबर आएगा तब पता लग जाएगा कि ये क्लास का अहमियत क्या है। आगे देखो, चलो सर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस विद अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, लेजिस्लेचर माने लॉ। ठीक है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और स्टेट के पास स्टेट लेजिस्लेचर, आर एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन द मैटर्स एन्यूमरेटेड इन द सेवंथ शेड्यूल। याद रखना, another important point, seventh schedule by virtue of article 246। ऐसे तो constitution में schedule का लंबा list है, मेरे को अभी याद नहीं है, but सात number schedule में income tax दिया। ठीक है, सात number schedule में income tax के बारे में, उसमें article 246 में constitution of India के बारे में। ठीक है, constitution का सारा schedule तो मुझे थोड़ा सा रहता है, हाँ, सीएमए फाउंडेशंस में भी आजकल किया। हाँ, ये मैंने तभी बोला फॉर आर्टिकल 246 का एक और था कुछ इम्पोर्टेंट है वो सब कंपनी का है और शेड्यूल। कंटेंस थ्री लिस्ट व्हिच एनुमेरेट ऑफ द मैटर्स। अच्छा देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे थोड़ा सा इतना बोला है, तीन लिस्ट होते हैं। क्या लिस्ट है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अब आप बोलोगे तीन लिस्ट का क्या काम है? सर, यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो टैक्स का हिसाब किताब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसे यूनियन लिस्ट लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर ही है। स्टेट लिस्ट में क्या है? स्टेट का पावर है। द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर कंटेंड इन द स्टेट लिस्ट। जैसे कि आपको मैं कुछ दिन पहले क्वेश्चन करा रहा था, पेट्रोल में जीएसटी है क्या? नहीं है। अल्कोहल में जीएसटी है क्या? नहीं है। तो फिर ये पावर कहां से आ रहा है कि जीएसटी सेंट्रल लगाना चाहता है बट स्टेट नहीं लगाने दे रहे हैं, तो फिर स्टेट के पास भी पावर है कि वो भी अपने हिसाब से विद कंसल्टेशन विद सेंट्रल वो कर सकते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर कंटेंड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट माने जहां पर दोनों का सहमति लेके लिस्ट को बनाया। तो तीन लिस्ट मेनली यहाँ पर काम करता है एज पर सेवन शेड्यूल टू आर्टिकल 246, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट। याद रहेगा सर,
बस इतना याद रखो। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर याद रखना, इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स एंट्री 82 ऑफ द इंडियन लिस्ट दैट इज लिस्ट वन इन द सेवेंथ शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द पावर टू पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन टैक्सेस इनकम एंड अदर एग्रीकल्चर अदर देन एग्रीकल्चर। तो कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली बोलते हैं एग्रीकल्चर इनकम पे आप टैक्स नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स एक तरह के लगते हैं कॉमर्शियल एग्रीकल्चर जैसे कि चाय कॉफी, ठीक है, ये सब चीजों में कॉमर्शियल इनकम है ना, नहीं नहीं ये सब चीज में टैक्स नहीं, ठीक है। उसमें एक और रूल काम करता है, रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, वो मैं एग्रीकल्चर जब पढ़ूंगा तब मैं बात करूंगा, बहुत जल्दी आ जाएंगे एग्रीकल्चर में, शायद और एक दो हफ्ता बाद हम लोग एग्रीकल्चर इनकम पढ़ रहे हैं। नहीं ये तो सभी का है, सही भी है, इनकम भी एक ही तो चीज है, क्योंकि इनकम टैक्स में इंट्रो पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो सीए का हो सीएस का हो सीएमए का हो क्या फर्क पड़ता है, सेम ही है, किताब खोल के देख लेना, क्योंकि सब कुछ कहाँ से दिया गया है, ये सब कुछ दिया कहाँ से गया, इनकम टैक्स के लॉ से दिया गया है ना, तो चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट पढ़ा डजंट मैटर, बस आपको टॉपिक को समझना, हमें इनकम टैक्स जानना है, यही चीज। जब आप लोग काम करोगे, आप लोग देखो सवाल, जब आप लोग काम करोगे, मानो कि मेरा टैक्स कैलकुलेशन करोगे, तो मैं सीए के पास जाऊंगा तो क्या वो एक करेगा, सीएमए के पास कुछ और करेगा क्या? तो फिर ऐसा सवाल क्यों करते, ठीक है। चाहे सोर्स डॉक्यूमेंट मैं कुछ भी यूज करूं, मैं जब भी जो डॉक्यूमेंट मुझे ठीक लगता है मैं यूज कर लेता हूँ, जहां पर जो चीज मुझे ठीक लगता है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट का रिसेंट मैटर है, आपने किया है तो इसलिए मैं यहाँ से दे रहा हूँ, वही मैं नीचे ऐसे करके कोई ब्रांडिंग होता है, थोड़ा रिसेंट अपडेट का मुझे मिला तो इसलिए मैं ये वाला नोट यूज कर लिया। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, इसमें और बताने वाला कुछ है नहीं मेरे को। इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, बस यहाँ पर और कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को अभी कुछ देर पहले इंडिया के बारे में बता रहा था ना सर, कि व्हाट इज इंडिया, तो थोड़ा सा मैं आपको इंडिया के बारे में बताता हूँ, फिर आप लोग घर जाना। सर व्हाट इज इंडिया, कहाँ गया भाई इंडिया? नहीं सर, जो इंडिया आप लोग जानते हो वो इंडिया यहाँ पर नहीं, थोड़ा और ज्यादा है, हाँ इट्स ए न्यू इंडिया। एक सेकेंड, अच्छा लगे इधर ही था। एक इंडिया का पूरा एक मैप होता है, मैप माने एक्चुअली कस्टम एरिया एक होता है सर, डेफिनेशंस में ही है। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बताना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इनकम से पहले ही था इंडिया, अच्छा यहाँ पर ये नहीं दिया है, कोई बात नहीं, चलो मैं बता देता हूँ व्हाट इज इंडिया। देखो इंडिया का डेफिनेशन दिया है, ऐसा दिया कि यूनिक बात था इसलिए मैं बता रहा हूँ। सेक्शन 2 सब्सेक्शन 25A में बोला है सर इंडिया के बारे में, ठीक है। सेक्शन 2 सब्सेक्शन 25A, द टर्म इंडिया मींस द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, माने एक्चुअली जो इंडिया हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो इंडिया का मैप हम लोग देखते हैं ना उसको मेनली इंडिया कह रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी इंडिया है। बताता हूँ, मैप ओपन करना है थोड़ा, कहते हैं कि सर इंडिया एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल, ये जो इंडिया का आसमान है ना सर, ट्वेल्व नॉटिकल माइल समुद्र में इंडिया कितना है, ये जो इंडिया का कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ में ये जो भूमि दिख रहा है ना आपको, समुद्र का छोड़ है, ठीक है, ये कोस्ट लाइन, कोस्टल लाइन से 12 नॉटिकल माइल एरिया इंडिया का होता है। कोस्टल लाइन से 12 नॉटिकल माइल माने बेसिकली अगर हम अरबियन सी में रहे या फिर अगर आप इंडियन ओशियंस में हो, ठीक है, इवन बंगाल की खाड़ी में भी, ठीक है, ये इंटरनेशनल एरिया हो जाएगा 12 नॉटिकल माइल के बाद, ठीक है। तो ये डेफिनेशन यहाँ पर दिया है, ये देखो तीन जोन होता है इसके,
एक का नाम होता है सर टेरिटोरियल वाटर, जैसे कि आपको मैं बोला ना 12 नॉटिकल में, इंडिया का जो एरिया है 12 नॉटिकल माने अप्रोक्स 1 नॉटिकल माने होते हैं 1.18 किलोमीटर, 1 नॉटिकल माइल का मतलब होता है 1.18 किलोमीटर समथिंग। अब 12 नॉटिकल माइल कितना हो जाएगा आप लोग हिसाब लगा ले, ठीक है। तो समुन्द्र के कोस्टल लाइन से 12 नॉटिकल माइल एरिया तक टेरिटोरियल वाटर, उसका सी बेड भी भारत का, उसका सब सॉइल भी भारत का, और उसके नीचे का पानी भी भारत का, उसके ऊपर का आसमान भी भारत का, सब भारत का। कॉन्टिनेंटल सेल्फ माने जहां पर हम लोग खड़े होते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माने उसको ईजेड कहते हैं, माने ये जो 12 नॉटिकल माइल का एरिया है ना, ये जो 12 नॉटिकल माइल का एरिया है, इसके बाद और एक 200 नॉटिकल माइल का एरिया होता है। मानो सबसे बेस्ट यहाँ से दिखाने से आपको समझ में आएगा दिस एरिया। मानो आप कन्याकुमारी में खड़े हो, ठीक है, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तो इंडिया का टेरिटोरियल हो गया, 12 नॉटिकल माइल। 200 नॉटिकल माइल सर इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो जाता है, माने उस जोन के अंदर अगर कुछ भी मिनरल्स वगैरह समथिंग कुछ मिलता है, कुछ ऑयल वगैरह मिलता है, तो उसमें पहला हक इंडिया का। उसके बाद जो एरिया आता है वो इंटरनेशनल, इंडियन ओशियन इंडिया का नहीं है, वही जितना जोन है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। टेरिटरी अगर आप बोला जाए, टेरिटरी 12 नॉटिकल माइल, टेरिटरी जो है 12 नॉटिकल माइल, वो एक टाइम पे था, वो बहुत पुराना बात है, ठीक है। उसका इतिहास में भी मेरे को मत खींच, मैं इतिहास में चला जाऊंगा फिर से। 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया है बट वो टेरिटरी है, बट अगर 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो जाता है, जैसे कि मानो बॉम्बे में, जैसे बॉम्बे हाई है, तेल वगैरह निकलता है ना बॉम्बे हाई में, गैस वगैरह निकलते हैं, तो कितना तक माइंस मिलने से वो भारत का हो, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर है तो वो भारत का हो जाए। या फिर जैसे मानो कोई जहाज बाहर से इंडिया में आ रहा है, ठीक है, तो एक बंदे का पर्सन का, जैसे ये कब काम आता है, ये इंडिया जानने का क्यों जरूरी है, जब हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना सीखेंगे तो हम लोग बोलते हैं ना कि ये बंदा बाहर से इंडिया आया है, तो कहाँ पर पहुंचने से बोलेंगे कि इंडिया आया। जैसे कोई बोट करके इंडिया में आ रहा है, उसका मानो इंडिया में एंट्री हो गया, ठीक है, इंडिया में मानो उसका एंट्री हो गया, ये बोट है, ठीक है। अब एंट्री होने के बाद से वो जैसे इंडिया के टेरिटरी में घुस जाएगा ना, दिन काउंट होना चालू हो जाएगा, फिर 182 दिन होने में उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए इंडिया क्या है ये जानना बहुत जरूरी, तो इसलिए इंडिया का टेरिटोरियल वाटर, इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। नेक्स्ट दिन मैं आप लोगों को ना ड्राइंग करके एक दिखा दूंगा, ठीक है, इसका एक ड्राइंग है, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, अभी आज और नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन टेरिटोरियल वाटर का पूरा हिसाब किताब क्या है, ठीक है। और फिर हम लोग कैलकुलेशन भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और थ्योरेटिकल डिस्कशन ज्यादा नहीं करेंगे, कैलकुलेशन करना ज्यादा जरूरी है, वो सब काम करें, क्योंकि आज बेसिक डिस्कशन था तो थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक किया, ठीक है सर। सोनिका, प्रिया बोलो सर, शालिनी समझ आए कि नहीं, ठीक है सर। है सर। आज एकदम बेसिक बात, आज कोई दिमाग आप लोगों को कोई प्रेशर ही नहीं हुआ माथा, आज सिर्फ आप लोग गप्पे सुने, ठीक है, एकदम पतला पतला बात है, ठीक है, धीरे धीरे लोड बढ़ जाएगा, डोंट वरी, ओके बाय।